तो हेलो गाइस यार, सबका स्वागत है फेस टू। क्या है सबका स्वागत भाई, आदर्श भाई, प्रतीक भाई, आदित्य भाई, क्या हाल चाल आपके? टोटल गेमिंग आर्मी ओपी ओपी भाई ओपी, मजा आने वाला है आज के मैचेस में। तो फेज वन के नॉकआउट स्टार्ट होने वाले आज से, तो फेज वन के नॉकआउट देखेंगे। हेलो भाई रोहन भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम, स्वागत है आपका स्ट्रीम पे। ओके, सो आई थिंक स्क्रीन आ रही होगी आप लोगों को। वेट अ मिनट, हेलो मेरे भाई। ओ प्याज तो बहुत मजा आने वाला भाई, बहुत मजा आएगा आज के मैचेस में। ग्राफिक्स आज के सारे मैचेस में हाई रहेंगे, जबरदस्त ग्राफिक्स। सो वेट अ मिनट, मैं देख लेता हूँ आईडी पासवर्ड आ गया है कि नहीं आया है, तो चेकआउट कर लूँ एक बार। सॉरी ओके वेट अ मिनट। ओपी भाई बहुत मजा आएगा भाई, सबका स्वागत है भाई। अभी तक अगर आप फेस टू के लिए खेलना चाहे, ग्रुप फोर का 16 पे मैच है, 16 पे मैच है, ग्रुप फोर का 16 पे मैच है। नहीं भाई, ग्रुप फोर का कल होगा ना, नॉकआउट्स की बात है तो कल होगा, वो तो फिर उसकी बात है ना। 16 को कोई मैच नहीं है, 16 को शायद छुट्टी है, देख लेना एक बार आप लोग, चेक कर लेना। अभी चेक कर लेता हूँ, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं दे दिया। सो बस 12:30 बजे मैच स्टार्ट होगा, और आईडी पास आई थिंक दे दिया गया होगा, बस वेट करना है हम लोग को। आईडी पासवर्ड कहाँ आएगा भाई, डिस्कॉर्ड पे ही आएगा रोहन गेमिंग भाई, आपको मिल जाएगा, परेशान मत होइए। ये कौन है भाई, है 4v4 नहीं खेलना मेरे को। फ्रेंड्स से कुछ मैसेज है, ओके आईडी पास व्हाट्सएप पे है। ओके आईडी पासवर्ड आ चुका है, मैं यस पर 16 लीव, हाँ 16 को लीव है। फेज टू क्या है, फेज टू में यार उनको एंट्री मिलेगी, अगर आप जो बीच में अगर एंट्री लेना चाहते हो तो फेज टू में आपको एंट्री मिल जाएगी, सेम होगा फेज वन की तरह, बिल्कुल सेम होगा फेज वन की तरह। मैं आईडी पासवर्ड डाल के आया डिस्कॉर्ड पे, ठीक है। अब आईडी आज चेक नहीं करेंगे भाई, आज कुछ नहीं चेक होगा, आज केवल टूर्नामेंट के लिए, बस मैं आईडी पासवर्ड डाल के आया। 2 मिनट, ओके मैं आईडी पासवर्ड डाल के आया, आ गया मैं टॉप वीसी में, आता हूँ एक मिनट, मैं आईडी पासवर्ड डाल दू, आ रहा हूँ ना। W1 एक मिनट, आई डी पास आ चुका है, W16245777। एक मिनट, मैं आई डी पासवर्ड डाल के आया पास। भाई मैं अभी स्कूल में हूँ भाई, मैं अभी स्कूल में हूँ। अरे वाह भाई वाह, मोदी जी अभी संडे है आज तो, रोहन भाई संडे भाई। बैकग्राउंड म्यूजिक कहाँ आ रहा है, बैकग्राउंड म्यूजिक आ ही नहीं रहा भाई, बंद कर रखा मैंने ऑलरेडी, मैंने बंद कर रखा है बैकग्राउंड म्यूजिक, कहाँ से आएगा भाई। हाँ थोड़ा बहुत तो बैकग्राउंड नॉइस आएगी, क्योंकि यार अब साउंड प्रूफ रूम है नहीं अपने पास। आते हैं निंजा, एक मिनट रुकना। आईडी पासवर्ड डाल ले, हम लोग रूम में बैठ जाएं, फिर स्टार्ट करते हैं सब कुछ। एक मिनट यार, वेट
सो फाइनली आ गए हम लोग वीसी। आ रहा हूँ आ रहा हूँ। तो ठीक से करो, ग्रुप फोर का 16 पे ही है मैच लिखा। अच्छा, एक मिनट में देख लेता हूँ। वो 15 पे मैचेस है, मैचेस का टाइमिंग 15 पे, वो बाई मिस्टेक हो गया होगा, मैं देख लेता हूँ। मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर मुझसे गड़बड़ हुई होगी तो मैं देख लूंगा, परेशान मत हो। 15, हाँ वो डेट गलती से 16 को लिख गई है, वो गलती से डेट 16 लिख गई है यार। वो मैच 15 ही को है, मैच 15 ही को है, बट वो गलती से डेट 16 लिख गई थी, बाय मिस्टेक था। तो नो, नहीं मम्मी, भाई पासवर्ड है क्या? वैलेंटाइन के साथ ब्लैक डे भी है। अरे भाई वो सब व्हाट्सएप नंबर तो नहीं दे सकता ना यार, संडे के साथ वैलेंटाइन है। अरे वाह वाह यार, एक मिनट इसी जानना है मेरे को। गोहन गेमिंग पासवर्ड दे, साले पासवर्ड दे चुका हूँ भाई। और जरा अपने वर्डों के चेन पे दिया, थोड़ा सा कहीं से यूज करें उसको, वर्ड्स को। कौन सा है ए व्हाट्सएप नंबर? भाई किसी को नहीं पता मेरा। ए मुझे मेरी भी आवाज आ रही है, ठीक है। यार टीमों को मिलाना थोड़ा सा है। कौन सा है? अरे ये हॉक बनना था। टीम चेंजेस में जरा देखो, ये शेड वालों ने दिया थे क्या नाम अपने टीम चेंजेस? गोइंग लॉयन स्क्वाड, शेड आर्मी, शेड अभी शेड शेड किलर का देखता है, शेड किलर का। ठीक है, ये हॉक बनना खिला रहे ना, है तो उनका ही, बट देखते हैं। टू लेवल का है उन्हीं का प्लेयर। फर्जन नहीं गेम्स दिया, नहीं दिया, नहीं दिया, क्या नाम दिया? क्या क्या नाम दिए पहले नहीं। वो? रुक जाओ, शेड किलर्स, रुको रुको, कंफर्म टीम्स में देखते। नहीं, रजिस्ट्रेशन के टाइम शेड किलर्स। अरे मुझे ग्रुप टू का दिया है। हाँ तो ग्रुप टू में भाई मेरा गेम नहीं खुल रहा, क्या बताऊँ यार। मुझे पता है वो व्हाट्सएप नंबर, मैं हूँ सत्यम। सत्यम सत्यम भैया, तुमको फिर हम बहुत मारेंगे, ध्यान रखना। अगर तुमको पता है तुमने कुछ बोला तो हम निंजा को फिर देखो खुली भाई छुट्टी। व्हाट्सएप नंबर, अच्छा देखो भाई इसका व्हाट्सएप नंबर है, रुको मैं बताता हूँ, 9876222963। जाओ आलोक मांगो। हेलो, हाँ हाँ आपकी तबीयत खराब है क्या नाइन ब्रदर? एट हाँ भाई सेवन थोड़ा। सिक्स थ्री पासवर्ड भाई मिल चुका है। अपनी भी कोई टीम है? हाँ अपनी टीम सीधे सेमीफाइनल्स पे है। यूएन तो ये तो आगे टेरर, ठीक है। शेड किलर्स, तो शेड किलर्स को ढूंढे कहाँ अभी तक? शेड किलर का नाम अपने देखो, मॉडरेटर तो को पावर, मॉडरेटर के कौन हो भाई ऐसा एडमिन लोग। एडमिन हो। अबे ये देखो लेटेंट स्टार, तो ये तो चलो शेड में ही होगा, ठीक है। ओके एक मिनट, हॉक बनना को निकालो। हॉक, हाँ हॉक बनना निकाल, हॉक बनना निकाल। काम नहीं दिया इनका। हाँ बताओ किस, एक मिनट एक मिनट अरे बताते। ऑब्जर्व में डाल, ऑब्जर्व में डाल, स्टार्ट हाँ करने के पहले 2 मिनट देख पहले ये कर देना, 1 मिनट पहले। लेंगे, ठीक है। और ये एनजे की कौन सी टीम है? 6 नंबर की टीम देख कौन सी है, ठीक है। टीमें देखते जाओ। निंजा आर्मी होगी, नहीं, 6 नंबर की टीम देखो ग्रुप में है कौन कौन, पहले इस ग्रुप में। देखो ग्रुप वन में है एनलाइटन, नॉट ऑफिशियल, हॉप नाइट, शेड किलर, लेजेंड स्पोर्ट्स, नो नेम, निंजा आर्मी, आई स्पोर्ट्स अल्फा, राइजिंग स्टार, लायन स्क्वाड, टीम क्रिमिनल्स, टेरर। क्रिमिनल्स, ठीक है। अब देखो इधर कौन कौन आ गया है। एनलाइटेंड आ गई, अरे ठीक। स्लॉट नहीं दिया, स्लॉट दिया है ना, बैठते नहीं ना सीधे से।
बताओ यार हॉक बनना फिर आ गए इधर। तुम रोज आ जाते हो मुंह उठा के, शर्म नहीं आती क्या? तुमको आती है? अभी भाई कौन से ग्रुप का, ये फर्स्ट ग्रुप का मैच है। अभी देखो पहले एनलाइटेंड है, एक एनलाइटेंड कंप्लीट है ठीक है। नॉट ऑफिशियल, नॉट ऑफिशियल में प्लेयर कौन कौन थे? नॉट ऑफिशियल में प्लेयर्स देखने में मुझे मॉड बनाओ भाई, मॉड है हमारे पास। नॉट अबे ऑफिशियल वो छोड़ो, ये अहमद की टीम में जो चेंजेस करने थे मैंने कल भेजा था वो अहमद चेंजेस की कर दिए ना, डेरी मिल्क नामक कोई बंदा आ रहा था। अरे ये जॉब है अहमद की टीम अभी मैच है, तू जाओ सर। अरे अब है अभी हॉक अभी का तो नहीं ये है, अगले एक हफ्ते बाद खरगोश, है मेरे दो मिनट पास। शांत हो ओवर जा, से दो कितने मिनट शांत हो जाओ, बात कुछ और चल रही। हॉक बनना, हॉक हॉक बनना ने मेरे को भेजा था भेजा था? फॉर्मल। ठीक 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 चलो फिर तो ठीक है। वो स्लॉट में डायरेक्ट कैसे जाए? स्लॉट के लिए रजिस्टर करना पड़ता है तो साथ। और देखो एचके वाली की टीम कंप्लीट है, हॉकनेट सी कंप्लीट है ठीक है। अब बची है सेकंड, सेकंड नंबर की टीम है। ये मुनीब, मुनीब भी हटाओ, ये है ही नहीं टीम में मुनीब। शॉर हमें टीम तो नहीं लग रहा है किसी यार टीम। एक मिनट रुक जाना पहले ठीक है। वो फ्री केएमसी की लेजेंड स्टार होगी, लेजेंड ई स्पोर्ट्स ठीक है। केएमसी के टीम मिलाओ जरा एक बार, टीम्स मिलाना जरूरी है। नहीं बन सकता अभी भाई, किसी की जरूरत नहीं अभी भाई। मॉड आउट के लिए मत कहो, अभी मैचेस करवा लें दो ब्रो। पहले नाम दे दिया करो यार मेरे को, एटलीस्ट बता तो दिया करो। साहिल को बताया, साहिल ने हमको बताया नहीं, वो बात अलग है, बट बता तो दिया करो मेरे को भी एटलीस्ट एक बार, या निंजा को बता दिया करो। अरे इसने कल मतलब वो मैंने रात को वो डाला था ना अच्छा वॉइस अच्छा चैट पे आके। अच्छा ठीक है। लाइटन पूरी है, और ये लेजेंड ई स्पोर्ट्स देखो जरा ठीक से, लेजेंड ई स्पोर्ट्स। टीमें मिलाना बहुत जरूरी है वरना फर्जी के लोग खेल जाएंगे। लेजेंड ई स्पोर्ट के एमसी ऋषभ टूर, ये कब का है? 27-1 और 27 तारीख को। हाँ ये ठीक तो है, 27 तारीख को। अरे अबे अबे तुम वहां से टीम बोलना, हम हाँ तुम मिलाते जाओ ठीक है। वो हाँ तुम टीम मिलाते जाओ ठीक है, प्लेयर्स बताते जाना ठीक है। शेड वाली ये ठीक, सही शेड है। किलर ठीक हो गई ठीक, ये शेड किलर ठीक हो गई। उसके बाद ये लेजेंड बोलते नॉट नॉट ऑफिशियल का मतलब नॉट ऑफ नॉट ऑफिशियल है। हाँ लग रहा है नॉट ऑफिशियल है क्योंकि नॉट के रुद्रा सासुके हैं इधर, तो ये नॉट टुक टुक का मैच 1:10 पर है। हाँ भाई उसी टाइम है, गन स्किन ऑफ है? नहीं नहीं भाई गन स्किन ऑन है। हेलो अभी भाई, अगला मैं बना दूं क्या? अरे अगला आ बना जाएगा। लूंगा भाई रुक जाओ यार अभी थोड़ी देर है। और ये उसके बाद ये आरएस की कौन सी टीम है? राइजिंग स्टार है। हाँ ये राइजिंग स्टार, राइजिंग स्टार भी ठीक है ठीक है। एचके की भी टीम ठीक है। अब नॉट ये ऑफिशियल की टीम बोल, पीएसजी नॉट ऑफिशियली टीम, अबे तुम टीम बोलो ना, हम मिलाते जा रहे हैं ना इधर से। रुद्रा है, फाइव स्टार ओपी है, मार भी मार है, और लेजेंड ये तो कोई है नहीं यार, तो रुको रुको, ये लोग खुद रिस्पॉन्सिबल है, तो हमका ही ये लोग खुद ही सही करवाएंगे टीम। जिसकी टीम में नॉन प्लेयर खेले, सुनो सुनो, जिसकी टीम में नॉन प्लेयर खेले ये लोग नहीं बताएंगे ठीक है। सुनो सुनो मेरी बात सुनो, जिसकी टीम में नॉन प्लेयर खेलेगा उसको माइनस पॉइंट देना, उतने दो दो माइनस पॉइंट देना ठीक है। लेजेंड बोलते चलेगा और रुद्रा ने नहीं। दो बंदे इन क्या करे, बस क्या करे। रुको रुको, आपकी टीम को माइनस पॉइंट मिलेगा, हम सीधे टाइम ओवर खेलने दो। जिसकी टीम में खेलेंगे ना उनकी टीम को माइनस पॉइंट मिलेगा उसके। ये केली तो हमें लगता नहीं किसी में, केली हटाओ 5 नंबर से फर्स्ट, पक्का है कोई नहीं है, गारंटेड बता रहा है सर। ये एनजे वाली टीम हमें ठीक लग रही है, ये काफी। ये देखो
ये जो 8 नंबर पे है और ये 10 नंबर पे एफटीआर भी वैभव है, ये भी हटाओ और 8 नंबर भी, दोनों हटाओ, 8 नंबर स्लॉट खाली कर दो, 10 नंबर से एफटीआर भी हटाओ। तो अच्छा अपनी तो कोई इज्जत ही नहीं है यहाँ पे भाई। अभी भाई टूर्नामेंट करा रहे हैं कि भाई हम यहाँ पे मॉड्स को देखें, मॉड्स बनाए कि बैठ के ये करेंगे भाई। अब साइज स्टार्ट कर दो। एक मिनट रुक जाना यार, 2K वाले इधर शॉट चेंज कर रहे हैं, जिसकी टीम में गलत खेले उसको। मिताली कौन है, जल्दी में ओके स्टार्ट। एक मिनट प्लेयर्स रुक, मेरे को आने दे, रुक। में जिसकी टीम में अननोन अननोन प्लेयर खेलेगा समझे, उसको माइनस पॉइंट देंगे। हाँ -2 ओ माइनस ये। पर प्लेयर, अच्छा मतलब पर किल देना है कि सीधा ही एक एक बार का देना है, वो सीधे बताओ एक, पहले। सीधे एक बार का सीधे। मैं और पॉइंट्स ही कितने हैं जिस, सीधे हाँ एक बार का ना, तो मैं दे रहा हूँ -5 उसको। हाँ दे देना, -5। -3 दे रहा है, ठीक है हम स्टार्ट कर रहे फाइव हैं। फाइव फाइव पाँच पाँच सीधे ठीक है। 1 मिनट, स्लॉट 8 से 4 प्लेयर को क्लिक करो। स्लॉट 8 से 4th प्लेयर सीटीजी हरी, वो लोग बोल रहे हैं अभी। स्लॉट 4 से 4 फोर एट से फा फोर एट से फोर आठवें स्लॉट से चौथा प्लेयर को हाँ बाहर एक हो निकाल। गया, एक हो गया। आगे आप बोलो। ये आरएस स्काई वॉकर अलग क्यों टीम से? ये आरएस स्काई वॉकर कहाँ से है? आरएस का स्काई वॉकर नहीं है, निकालो निकालो, फर्जी खेल रहा है, या राइजिंग स्टार से निकालो, लात मारो। और ये मिताली भी निकालो, एलजी मिताली भी निकालो। टीम नहीं है, टीम भी नहीं है इनकी। हाँ एक ही निकालो है। ला, और बस अब बाकी सब सही लग रहे हैं। चलो ये स्लॉट कोई चेंज? चलो स्टार्ट एमसी कर रहा हूँ। ऋषभ ठीक है। चलो हो गया, ठीक देखो है तुम लोग करो। अपना काम, अगले वाले रूम का तैयारी करता है। हाँ ठीक है, तुम लोग तैयारी करो, देखना मिलाना ठीक है। और सबको बता दो कि भाई जिसकी टीम में अननोन प्लेयर खेलेगा उसको -5 मिलेगा सीधे सीधे। वो इसको वो काम मत दो, बोलो, केवल वो स्क्वाड एंट्री चाहिए, केवल स्क्वाड एंट्री चाहिए। अगर स्क्वाड से बाहर बंदे, 3 ही बंदे आ रहे हैं तो डिस्कॉर्ड में इन्फॉर्म करो। अगर स्क्वाड के उल जलूल बंदे, जितने बंदे आ रहे हैं उससे इन्फॉर्म करो। अगर नहीं माइनस आते तो माइनस वो फाइव मिलेगा सीधे सीधे, भाड़ मिल जाए भाई। ये लोग चूतिया समझ रखा है क्या किसी को? चलो हम कट रहे हैं भाई, नहीं। मेरी जगह दूसरा प्लेयर खेल रहा है आर्मी से, अभी स्कूल में हूँ भाई। तो आपको इन्फॉर्म करना चाहिए, आपको आप कॉन्सिक्वेंस पे करने पड़ेंगे, जिसमें मैंने पहले ही बोला था आपकी टीम से। क्यों बुलाया भाई आपको? 3 मैन खेलने थे तो यहाँ पे टीम नंबर दिखाई नहीं, काफी अच्छी अच्छी टीमें दिखाई दे रही है यहाँ पे। एचके की टीम दिखाई देगी, राइजिंग स्टार्स नॉट ऑफिशियल्स और शेड आर शेड किलर्स दिखाई देंगे यहाँ पे, तो काफी अच्छी फाइट देंगे यहाँ पे। लेजेंड ई स्पोर्ट्स के ली एंटोनियो, केएमसी ऋषभ खेलेंगे, एनजे के आर्मी की तरफ से एनजे आर्मी आएगी यहाँ पे, टीम नंबर 6। टीम नंबर 7 का आई थिंक मेरे को प्लेयर इतने याद नहीं। R2K की प्लेयर टीम आएगी यहाँ पे, टीम एनलाइटेन यहाँ पे चेन्नई को मिक्स करके यहाँ पर टीम नंबर 10 में सिंगल प्लेयर खेलते हुए यहाँ पे दिखाई देंगे। सोलो मैन एंट्री यहाँ पे सोल अंशुमन, ये टीम आई थिंक मुझे याद है। अबे भाई लैग करता है निंजा, बहुत लैग करता है भाई, ग्राफिक्स रेंडर नहीं होते इसलिए। तो ये हमें टेरर की टीम दिखाएगी, पीक के एरिया पर लूट करेगी यहाँ पर। टेरर की टीम पीक एरिया पे जाके अपनी लूट कंप्लीट करेगी। टीम नंबर 11 जो कि हमारी जाती है, हमें सेंटोसा की ओर दिखाई दे रही है, तो देखते हैं और कौन सी टीमें यहाँ पे देंगी हम लोग बीमा सकती है स्ट्रिप पे। यहाँ पे टीम अनलाइटेड लूट करेगी, R2K की टीम आती हुई, R2K की टीम यहाँ पे पीक के एरिया पे दिखाई दे रही है, तो देखते हैं आगे की फाइट्स कैसे। पीक के एरिया पे यहाँ पे टेरर और R2K की फाइट हम लोग को देखने को मिल सकती है, देखते हैं कितनी अच्छी फाइट्स देखने को मिलती है हम लोगों को। तो हमारी टीम में सामने साले साथ वाला तो बोला है, अब भाई मैं भी करवा दूंगा, परेशान मत होइए। वैभव भाई हमारी टीम में 7 जो कि ऑब्जर्वेटरी के एरिया पे लूट करेगी। टीम एनजी आर्मी सेंटोसा के एरिया पे गई है, तो देखते हैं और कौन सी टीम हमें यहाँ पे मिलेगी। एचके यहाँ पे दिखाई देगी, फोर्चिनॉक के एरिया पे, और राइजिंग
डाइंग स्टार दिखाई देगी क्लॉक टावर के एरिया पे, जबकि टीम नॉट ऑफिशियल हम लोग को दिखाई दे रही है मिल के आसपास और रिवर साइड के एरिया पर लूट करेंगे। शेड आर्मी आएगी, शेड किलर्स आएंगे, रेडनाम विलेज के एरिया पर लूट करेंगे। तो देखते हैं कैसे रोटेशन काटते हैं यहाँ पर। राइजिंग स्टार एक काफी अच्छी एरिया पे जहाँ पे लूट कर सकते हैं, फैक्ट्री का एरिया भी उनके पास एक्सेसिबल होगा, जबकि हॉक नाइट की टीम के पास पोचिनॉक, जहाँ पे पोचिनॉक पर थोड़ी सी लूट कम मिलती है बट वो फैक्ट्री की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पर टीम के लेजेंडरी स्पोर्ट्स आती हुई, तो काफी एज ऑफ द जोन है, टू मैन है तो यहाँ पे उनको पोजिशन पॉइंट्स बचाने ही होंगे। एक टीम का एक ही मैच मिलेगा स्टार्टिंग में, उसके बाद ज्यादा मिलेंगे। तो यहाँ पे टीम नंबर 7 हम लोग को दिखाई देगी ऑब्जर्वेटरी के एरिया पर लूट करें। टीम 8 के और टीम टेरर के बीच फाइट्स हो सकती है। इनिशियल स्टेज में भी कोई फाइट्स नहीं हुई है तो टीम्स काफी सर्वाइवल रूप से खेलेंगे, मतलब थोड़ा सा होल्ड करके यहाँ पे टीम्स खेलती दिखाई देंगे। ओके टीम टेरर की, टीम के टेरर के प्लेयर्स ने यहाँ पे नेम चेंज किया है, मास रोहित ट्विस्ट एंड अवेज आएंगे। तो देखते हैं क्या और कैसे फाइट्स निकालते हैं यहाँ पे। टीम नंबर 11 सोल अंशुमन टीम नंबर 11 अच्छी खासी लूट यहाँ पे कैरी करेगी, क्योंकि यहाँ सेटोसा के एरिया में अच्छी लूट ले सकते हैं। और टीम नंबर 10 के सोलो मैन सर्वाइव कर रहे हैं यहाँ पे, हाइलाइटेड आएगी और बीमा शक्ति का पूरा एरिया एक्सेसिबल होगा यहाँ पे उनके पास। R2K के तो R2K की फाइट हो गई यहाँ पे, टीम यहाँ पे टेरर के एक प्लेयर को नॉकआउट करके फिनिश कर लिया यहाँ पे, मास यहाँ पे फिनिश हो गए हैं। और टीम R2K से ये फाइट काफी इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगी हम लोगों को, देखते क्या होता है। भाई वेटिंग लिस्ट का टीमें को, जब टीमें आ गई तो भाई वेटिंग लिस्ट को कैसे दे, तो आप फेज टू में जाओगे, आप फेज टू में जाओगे 7x गेमिंग वाइटी अगर आपने रजिस्टर किया है तो। जो फेज टू की टीमें नहीं खेल, मतलब वेटिंग लिस्ट की टीमें नहीं खेल पाएंगे वो फेज टू में जाएंगे सीधे सीधे, फेज टू में उनको डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगी। यहाँ पर देखते हैं टेरर की टीम ये कैसे फाइट निकालती है। अवेज ट्विस्ट और रोहित एक ही एरिया पे होल्ड करते हैं, कि डबल डोर पे होल्ड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर यहाँ पे कुछ अच्छे नेट्स को किए जाते हैं टीम आर2के की तरफ से, तो यहाँ पे बहुत अच्छे नॉक्स निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं विशाल भाई की क्या करते हैं, यहाँ पे अच्छे नॉक्स निकालने जाए, ग्रेनेड्स को करने चाहिए क्योंकि यहाँ पे एक ही हाउस पे है टीम टेरर। हैशटैग सोल की, ओके यहाँ पे टीम नंबर 11 हम लोग को दिखाई देगी। प्रवीण भाई हमारे है या तो CR7 पवन सोल अंशुमन, देखते सेंट्रोसा के एरिया में कितनी अच्छी फाइट्स निकालेंगे आगे के, कैसे रोटेशन काटते हैं। सोन अभी फेवर किया है यहाँ, बीमा शक्ति स्ट्रेट को सेंटर बनाता हुआ हम लोग को दिखाई दे रहा है। तो टेरर काफी ज्यादा होल्ड कर रही है, एक प्लेयर को लॉस में जा चुकी है, 3v3 की फाइट हो चुकी है उनके अपोनेंट्स के साथ। तो देखते हैं अब क्या होता है यहाँ पे। तो अभी इनिशियल स्टेज में सारी टीमें लूट करती हुई दिखाई दे रही है, बिल्कुल इजीली वो लूट करेंगे, तो कामली लूट करते हुए इनिशियल स्टेज में कोई फाइट्स देखने को नहीं मिली है। ग्रुप टू का मैच भाई अभी 1:10 पे है भाई, आप लोग टाइम देखो ना जाके यार, डिस्कॉर्ड पे देखो, यहाँ पे कमेंट करने से थोड़ी पता चलेगा यार, ग्रुप टू का टाइमिंग जाके देखो तो आप। लीग एंटोनिया यार लेजेंड ईस्पोर्ट्स बहुत ही चलो सर्वाइवल गेम खेलती है दिखाई, HK की टीम काफी ज्यादा अच्छी टीम है क्योंकि हम लोग ने इनको पिछले मैचेस में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, पिछले टूर्नामेंट में बहुत अच्छा परफॉर्म करते देखा है। यहाँ पे स्नेह आएंगे, यहाँ पे टीम HK को लीड करेंगे, कोटातुआ के एरिया पर लूट करेंगे। पोचिनॉक से उन्होंने कोटातुआ की तरफ रुक किया है, देखते हैं अब कैसी लूट कैरी करते हैं और क्या ही फाइट निकालते हैं अपने पास। तो यहाँ पे एक अच्छी खासी लूट अभी तो स्नेह के पास दिख रही है, उनके पास एक लॉन्ग रेंज वेपन और एक MP5 है, तो अच्छे फाइट निकालते हैं। अनन्या के पास भी एक अच्छी लूट दिखाई दे रही है, प्रिंस भी आएंगे, एक रैबिट 2 भी कैरी करते हैं। तो चैनल ने यहाँ पे हेडशॉट लिया, टीम एनलाइटेड की फाइट्स हो रही है, तो हम चलिए टीम एनलाइटेड के ऊपर अपनी नजर बनाएंगे, देखेंगे कौन सी टीम से फाइट हो रही है। तो टीम 10 के सोलो मैन को यहाँ पे फिनिश कर दिया है टीम एनलाइटेड ने, तो यहाँ पे एक किल कंफर्म करेंगे टीम एनलाइटेड। तो किल्स पॉइंट यहाँ पे बहुत ज्यादा मैटर करने वाले, पर किल आपको 2 पॉइंट्स मिलने वाले। तो यहाँ पे अगर आप ज्यादा से ज्यादा किल करते हो, हार्डकोर रश खेलते हो, तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हो सकते हैं सेकंड स्टेज में क्वालिफाई करने के। टॉप 6 टीम ही आप पॉइंट्स टेबल के अकॉर्डिंग क्वालिफाई करने वाली है, सो प्लीज आप लोग देख लो जैसा आपको पॉइंट्स टेबल समझ में आया, और अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर सकते हो, आगे आने वाली टीमों के लिए बहुत अच्छी सीखोगी, क्योंकि नेक्स्ट मैच होने वाला है पर्गोट्री पे, तो देखते हैं कैसा होगा वो मैप, तो उसमें भी काफी जबरदस्त टीमें हैं, काफी जबरदस्त फाइट देखने को मिल सकती है। टीम नंबर 6 NJ आर्मी केप टाउन के एरिया पर लूट करेगी पूरी पूरी। यहाँ पर टीम नंबर 7 आएगी बुल्सआई एरिया की तरफ रुक करती हुई, MD आएंगे वैभव के साथ गाड़ियों में घूमते हुए। प्रो गन स्किन्स जब मेन सेमीफाइनल और फाइनल होगा उसमें ऑफ आएंगे, अभी गन स्किन ऑफ नहीं है, परेशान ना।
अभी सब कुछ लेके खेलो। तो टीम प्लांटेशन के एरिया पे आ चुकी थी, यहाँ पे हम लोग फाइट देखने को मिल सकती है यार। एलाइटन से भी एलाइटन इसी एरिया पे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट है, और उन्होंने अभी तक पीवा सेक्टर स्ट्रिप को छोड़ा नहीं क्योंकि सेंटर ऑफ द जोन है, तो यहाँ पे उनको रोटेशन काटने कोई दिक्कत नहीं होगी। और अभी उतनी जल्दी उनके वर्ड्स एमएस टू बी विनर टूर्नामेंट, नो ब्रो, इट्स ऑल अबाउट स्किल्स, इट्स ऑल अबाउट स्किल्स एंड टैक्टिक्स, नथिंग। एक गन आपको नहीं जिता सकती, हाँ एडवांटेज मिलता है आपको, बट आपको एक गन नहीं जिता सकती, उसको कितने अच्छे से यूटिलाइज कर पाते हो वो आपका प्लेयर्स के ऊपर डिपेंड करता है। टीम टेरर स्टिल होल्डिंग देयर पोजीशन, क्योंकि यहाँ पे किल्स पॉइंट्स और पोजीशन पॉइंट्स बहुत मैटर करेंगे, बट किल पॉइंट्स यहाँ पे अगर आपने 6 किल कन्फर्म कर ली तो आप बुया के इक्वली पहुंच सकते हो। शेड किलर्स यहाँ पे गई थी हमारी रिमना विलेज के एरिया पे, तो रिमना विलेज से उन्होंने रोटेशन काटी है ऑब्जर्वेटरी के साइड से, हैंगर होते हुए ऑब्जर्वेटरी के साइड पर उन्होंने रोटेशन काटी है। सुजीत यहाँ पे टीम को लीड करेंगे स्टार आते हुए नी गोल्डन के नेवी हॉक के बनना, तो यहाँ पे टीम शेड किलर्स। सॉरी नॉट ऑफिशियल, यहाँ पे हम लोग मिल के एरिया पे लूट कंप्लीट कर चुकी है आई थिंक, यहाँ पे तो वो फाइट लेने के लिए रेडी है। राइजिंग स्टार्स भी होल्ड करती है, तो क्लॉक टावर और दीवा शक्ति के बीच के एरिया पे होल्ड करती है राइजिंग स्टार्स, क्योंकि इस बार उनको यार काफी अच्छी फाइट निकालने का चांस मिल सकता है क्योंकि सेंटर ऑफ द जोन है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, और क्लॉक टावर से आने वाली टीम्स को यहाँ पे गेट कीप कर सकते हैं, तो अच्छी खासी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो सकते हैं। टावर से यहाँ पे गेम में बरमूडा में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। एचके किसने आएंगे यहाँ पे पीक के लोअर एरिया पे लूट कंप्लीट करके, यहाँ पे एचके टीम पूरा सर्वाइव करेगी, थोड़ी देर सर्वाइव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लास्ट के जोन में अपनी पूरी टीम को अलाइव रख पाते हो तो बहुत ज्यादा अच्छा होता है, आपकी टीम के लिए बहुत ज्यादा फायर पावर आपकी टीम के पास हो जाती है। यहाँ पे लेजेंड ईस्पोर्ट्स के पास टू मैन स्क्वाड है, तो देखते हैं कितनी अच्छी फाइट निकालते हैं, कितनी किस पोजीशन तक अपनी टीम को ले जा पाते हैं। एनजे की टीम आएगी यहाँ पे हम लोग एज ऑफ द जोन लूट करती हुई और सर्वाइव करते हैं। यहाँ पे ग्लू वॉल्स बनाने का प्रोसेस चालू हो चुका है एनजीए की तरफ से, ओके अक्षर भाई यहाँ पे प्लांटेशन के एरिया पे, ओके यहाँ पे टीम नंबर 7 वैभव यहाँ पे लीड करेंगे अपनी टीम को, देखते हैं कितनी अच्छी फाइट्स निकाल पाते हैं। अक्षर एमडी वैभव आरडीके की टीम यहाँ पे दिखाई दे रही है। टीम एनलाइटेंड स्टिल होल्डिंग, तो जोन यहाँ पे शिफ्ट लिया, एक हार्ड शिफ्ट लेता हुआ जोन राइट साइड में शिफ्ट लिया है, यहाँ पे फेवर किया है, यहाँ पे रिवर साइड ऑफ बीमा शक्ति के बीच के एरिया को फेवर किया है, डैम होता है उसको फेवर किया है, यहाँ पे सेंट्रलाइज किया है जोन में। तो टीम एनलाइटेंड मूवमेंट करते हुए 39 प्लस अलाइव बचे हैं इस मैप में, बहुत ज्यादा रश होने वाला है लास्ट जोन में, तो देखते हैं कितनी अच्छी फाइट्स निकलती हैं, बहुत ज्यादा केपेबल टीम्स यहाँ पे देखते हैं। 3 मैन अलाइव यहाँ पे 3 मैन स्क्वाड के साथ खेली टीम नंबर 7 एंड टीम नंबर 8, जो कि टीम R2K और टीम नंबर 7, मैं नेम नहीं जानता उनका। टीम एनलाइटेंड यहाँ पे रोटेशन अपनी काट चुकी, तो एज यूजुअली जैसा उन्होंने उनका देखा जाता है कि वो अपनी रोटेशन को बहुत जल्दी प्रेफर करते हैं और रोटेशन बहुत जल्दी डालते हैं, तो देखते हैं अब क्या और आगे फाइट्स कैसे होती है, क्योंकि रोटेशन पहले डाल ली बट गौरव यहाँ पे एलिमिनेट होते हुए दिखाई दिए हम लोग को, तो आई थिंक इंटरनेट इशू के चलते वहाँ पे टीम नंबर 6 से यहाँ पे एक प्लेयर एलिमिनेट हुए। एनजे आर्मी की यहाँ पे 3 मैन लगे तो 1 मैन की पावर घटी हुई, एचके की टीम यहाँ पे फाइट लेगी एनजे आर्मी से, एनजे आर्मी के ऊपर यहाँ पे एचके की टीम मैन टू मैन एडवांटेज में आर2के के यहां पे को फिनिश किया। हॉक की टीम में थर्ड पार्टी स्टार्ट हो चुकी है, प्रिंस यहां पे अपनी एम8 टू बी का कमाल दिखाते हुए अच्छे शॉट लेते, बट प्लेयर वहां से मूव आउट करते हैं। आर2के की फाइट हो चुकी है, आर2के यहां पे एक प्लेयर को खो चुकी है और विशाल और डेविल अकेले बचे हैं। विशाल यहां पे कुछ अच्छे नेट को कर सकते हैं और एचके की टीम को काफी ज्यादा दिक्कत ला सकते हैं, बट यहां पे एनजे भी यहां पे आ चुकी है थर्ड पार्टी कर सकती है बहुत अच्छी, तो यहां बहुत इंटरेस्टिंग क्लस्टर बनता हुआ है। यहां पे 3 स्क्वाड आती है और यहां पे जबरदस्त हेडशॉट भी है माफिया ने, और यहाँ पे लाइटन भी इसी फाइट्स में इन्वॉल्व होती है और जैनम नॉकआउट हो चुके हैं, जैनम को रिवाइव देना मुश्किल, लेजेंड बोलते हैं यहाँ पे फिनिश करेंगे, तो चारों तरफ फाइट हो चुकी है। एनलाइटन सैंडविच बनने वाली है मेरे को लगता हो, क्योंकि एनलाइटन सेंटर ऑफ द जोन है, यहाँ पे एनलाइटन में थोड़ी देर दिक्कत होने वाली है, तो इतना डिले है कि आपको पता ही नहीं चलेगा। एथिस्ट आएंगे यहाँ पे समोन एयर ड्रॉप का यूज करते हुए, तो एनलाइटन के लिए थोड़ी सी ज्यादा दिक्कत होने वाली क्योंकि वो सेंटर ऑफ द जोन पहुंच चुके हैं, बट साइड ही में यहाँ पे जोन के अंदर एंट्री लेंगे तब उनको एनलाइटन को यहाँ पे दिक्कत होने वाली है, देखते हैं उसको प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं यहाँ पे। सॉरी हाँ
ओके शेड स्टार यहाँ पे एलिमिनेट होंगे, तो शेड स्टार एलिमिनेट हो तो शेड किलर्स की टीम यहाँ पे हम लोग को दिखाई देगी। तो एज ऑफ द जोन स्टिल कोटलिस्टवा के एरिया पे जोन आता हुआ, अगर वो जोन के अंदर एंट्री नहीं लेते यहाँ पनिश होंगे। हॉक बना यहाँ पे डबल वेक्टर यूज करेंगे, तो देखते हैं कितनी इंटरेस्टिंग क्लोज रेंज फाइट निकाल पाते हैं यहाँ पे। शॉर्ट के सुजीत के यहाँ पे पास एक एक्स केएस और एक MP40 दिखाई दे रही है। हॉक तो बनना पीआरटी लेजेंड यहाँ पे टीम नंबर टू नॉट ऑफिशियल ने भी यहाँ पे एक डबल वेक्टर प्लेयर को कैरी किया है। लेजेंड बोल्टे के पास एक बोल्ट पैकअप यहाँ पे स्नैपर्स का यूज करते हैं, नॉट ऑफिशियल नहीं दिखाई दे रही है। टीम राइजिंग स्टार्स उसी एरिया पे जहाँ पे एनलाइटन सर्वाइव कर रही थी। फेज टू क्या है, फेज टू में तो मैं बताऊंगा मैच फिनिश होने को। एचके के प्रिंस यहाँ पे दिखाई देंगे, तो एचके यहाँ पे काफी ज्यादा स्वीट स्पॉट ले रखी है, बट हाई ग्राउंड एडवांटेज है यहाँ पे। अगर कुछ नेट कुक करती है अपोनेंट टीम्स तो यहाँ पे एचके के ऊपर कुछ अच्छे नॉक्स निकल सकते हैं। एनजे आर्मी यहाँ पे तो ईपी के लिए अभी तक उन्होंने कंफर्म नहीं किए हैं। टीम एनलाइटेंड के प्लेयर को यहाँ पे जेनम फिनिश हो चुके हैं, ब्लैक एंड एट बचे हुए हैं। एथेस नोपित आ जाते हैं, एथेस यहाँ पे लीड करके दिखाई देंगे। टीम एनलाइटेंड को फॉर्मर चैंपियन है, लास्ट सीजन की चैंपियन है, वीकली टूर्नामेंट सीजन 3 की चैंपियन है। तो यहाँ पे फाइट हो चुकी है और अच्छे कुछ शॉट्स लेने का ट्राई किया जा रहा है यहाँ पे। तो राइजिंग स्टार उसी एरिया पे राइजिंग स्टार स्पॉट कर चुकी है यहाँ पे एनलाइटन को, एनलाइटन वर्सेस राइजिंग स्टार। तो राइजिंग स्टार के अब थोड़ी सी दिक्कत, जोन शिफ्ट ले चुका है, अब उनको जोन के अंदर एंट्री लेनी है। यहाँ पे डैम को फेवर करता हुआ जोन अगेन, तो अभी भी टीम एनलाइटन को कोई रोटेशन डालने की तो यहाँ पे एमडी यहाँ पे टीम नंबर 7 के एक रन नॉकआउट है। वैभव का एक एमेट AWM का शॉट अच्छा कनेक्ट होता है, मैक्स एम को कैरी किया। यहाँ पे टीम लेजेंडरी स्पोर्ट्स को दिक्कत डालेंगे, उनके एक प्लेयर फिनिश हो चुके हैं और अकेले एक प्लेयर बचे हैं यहाँ पे। ओके यहाँ पे एक प्लेयर को और नॉकआउट कर लिया गया है टीम नंबर 7 के, अक्षर नॉकआउट पड़े हैं। देखते हैं क्या होता है फाइट्स में, क्योंकि यहाँ पे टीम लेजेंडरी स्पोर्ट्स यहाँ पे फिनिश होगी। सबसे पहले अर्ली एग्जिट लेगी यहाँ पे एनजे आर्मी। यहाँ पे फाइट हम लोग देखेंगे किस टीम से फाइट है। यहाँ पे टेरर आएगी, यहाँ पे फाइट्स में इन्वॉल्व होती है, हम लोगों को दिखाई दिया। टेरर ने भी कुछ किल्स कंफर्म किए, ट्विस्ट आएंगे आवेज और रोहित ने एक किल कंफर्म कर ली। तो यहाँ पे किल पॉइंट्स बटोरती हुई टीम टेरर, 28 प्लेयर्स बचे हैं, फाइनल जोन आने को रेडी है बिल्कुल। और जोन पनिशमेंट सबको हर टीम को मिलने वाली है जो टीमें बाहर होने वाली है। तो यहाँ पे टीम नंबर 8 टीम नंबर R2K टीम नंबर 8 R2K विशाल HK की पूरी स्क्वाड के जस्ट नीचे बैठे हैं। देखते हैं कब तक सर्वाइव कर पाते हैं और टीम HK को कब अंदाजा लगता है कि विशाल उनके जस्ट नीचे, R2K के टेबल के जस्ट सामने से स्क्वाड रोटेशंस काटती हुई ट्रिगर डिस्प्ले दिखाते हुए यहाँ पे टीम R2K के टेबल तो काफी ज्यादा बढ़िया है, ट्रिगर डिस्प्ले देखने को मिल रहा है हम लोग को यहाँ पे। तो यहाँ पे टीम नंबर 7 काफी ज्यादा वैभव सर्वाइव करे किसी तरह, और उनके लिए काफी ज्यादा टीम ने उनको पिन पाउंड कर रखा है। यहाँ वैभव के लिए काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है, देखते हैं किसी कब पहुंच पाता है। फिनिश करेंगे लेजेंड बोलते हैं यहाँ पे उनको फाइनली। डेविल ने एक और किल कंफर्म की है, तो यहाँ शेड किलर के ऊपर थोड़ी दिक्कत, शेड के सुजीत अकेले बचे हैं किलर्स के, अब उनके लिए काफी ज्यादा दिक्कत हुई। जोन के अंदर एंट्री लेनी है और गेट कीप होने के लिए टीम करने के लिए बैठी है। यहाँ पे लाइटिंग ओके टेरर आएगी और राइजिंग स्टार एक्शन हम लोग को दिखाई देगी। श्लोक आएंगे यहाँ पे एक किल कन्फर्म करते हुए, हार्दिक ने किले कंफर्म की थी बट फाइनली वो फिनिश हो गए हैं। यहाँ पे मिस्टर अजय वाइटी यहाँ पे टीम नंबर 6 के एनजे आर्मी को लीड करेंगे। यहाँ पे देखते हैं कितनी अच्छी फाइट्स निकालते हैं, क्योंकि फाइनल जोन में है और एचके के लिए अब यहाँ पे दिक्कत होने वाली, क्योंकि एचके को जोन जाना है जोन में। हालांकि थोड़ी सी दूरी है बट ये दूरी भी काफी ज्यादा दिक्कत दे सकती है टीम हॉक नाइट को, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें होने वाली है। तो यहाँ पे राइजिंग स्टार राइजिंग स्टार ने असार्थक नॉकआउट होंगे, ईमेल लाइटन से फाइट लेंगे। एथेस यहाँ पे ग्रोजा की पावर दिखाते हुए एनजे के जेफ राइजिंग स्टार के राज को फिनिश करेंगे। तो यहाँ पे राइजिंग स्टार थर्ड पार्टी में पूरी ऑलमोस्ट फिनिश होते हैं। श्लोक अकेले सर्वाइव करें, उनके लिए काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली है। टीम नंबर 2 नॉट ऑफिशियल लेजेंड बोलते, और रुद्रा का एक जबरदस्त हेडशॉट आता हुआ यहाँ पे पीआरटी लेजेंड को रिवाइव मिल चुका है फाइनली। तो रुद्रा यहाँ पे अपनी AWM पावर दिखाते हुए, तो यहाँ पे टेरर से आई थिंक ये फाइट होती हुई हम लोग को दिख रही है टीम नॉट की। और यहाँ पर रोहित को बचा लिया गया है, आवेज कवर फायर देते हैं अपने टीम मेट्स को, बहुत अच्छा कवर फायर। तो टीम टेरर भी काफी अच्छा परफॉर्म करती है, ट्विस्ट ने रिवाइव दे दिया, ट्विस्ट यहाँ पे लीड करेंगे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट शेड के सुजीत को। तो शेड की लत यहाँ पूरी एलिमिनेट होती हुई एलिटन एथिस आएंगे उनको बात करते, आवेज ने यहाँ पे किल कन्फर्म करी है। तो टीम टेरर काफी ओपी परफॉर्म करती है और यहाँ पर टीम नॉट ऑफिशियल पूरी एलिमिनेट होती हुई, टीम नॉट ऑफिशियल इस मैच से बाहर होगी। अवेज नॉकआउट है, उनको रिवाइव आई थिंक मिल जाएगा, तो इसलिए होगा यहाँ पे। टीम एनलाइटन भी किसी तरह सर्वाइव करती है फाइनल जोन में टॉप पे पहुंचती हुई। तो यहाँ पे कितनी टीमें बची हम लोग देख लेते हैं।
पांच टीम अलाइव टॉप फाइव में आती हुई टीम एनलाइटेंड को दिखाई जहां पे वो दिखाई देती थर्ड पार्टी पर उन्होंने सिचुएशन को काफी अच्छे से हैंडल किया। राइजिंग स्टार के श्लोक देखते हैं अपनी टीम को किस पोजीशन तक ले जाते हैं। यहाँ पे श्लोक का एक जबरदस्त नेट बहुत अच्छी किल्स निकाल सकता है, पूरी एनलाइटेंड के लिए दिक्कत दे सकता है। देखते हैं क्या वो ग्रेनेड कुक करते हैं या नहीं। ओके मिस किया श्लोक, यहाँ पे अब दिक्कत में आ रहे हैं क्योंकि एनलाइटेंड ने स्पॉट किया है। स्नेह यहाँ पे फोर मैन अलाइव दिख रही है और टेरर के लिए काफी ज्यादा दिक्कत देने वाली है। यहाँ पे एचके की टीम, यहाँ पे हर्ष अनन्या प्रिंस प्रिंस के पास एक एम ए टू भी है, तो ये काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली टीम टेरर के लिए। सही से शॉट दे दो टीम, हाँ ज्वाइन करने को बोल दो ना, टैग करके बोल दो, ग्रुप टू जाके ज्वाइन कर लिया अपनी टीम, आपका आईडी पासवर्ड आ चुका है डिस्कॉर्ड पे। तो यहाँ पे हर्ष नॉकआउट हो गए, दो प्लेयर नॉकआउट हो स्नेह और हर्ष दोनों नॉकआउट है, तो यहाँ पे 10 प्लेयर्स अलाइव बचे हैं। लेजेंड बहुत अच्छी फाइट निकालती हुई यहाँ पे हम लोगों को दिख रही है और चैंपियंस की तरह खेल रही है। यहाँ पे एक प्लेयर बचे, आवेज अकेले बचे अपने प्लेयर्स को रिवाइव दे पाएंगे स्नेह एलिमिनेट होते हुए और ब्लैक एंड एट एक और किल कन्फर्म करेंगे यहाँ पे। तो लाइटन यहाँ पे बहुत अच्छी फाइट निकाल, एचके के अनन्या एलिमिनेट होंगे तो एचके के लिए भी दिक्कत। यहाँ पे फाइनल फाइट आई थिंक टॉप थ्री टीम्स मिल चुकी है, एचके हॉक नाइट यहाँ मिलेगी एनलाइटन और टेरर, तो टेरर भी काफी जगह आवेज एंट्रेस्ट बचे, क्या ये टू मैन क्लच कर पाएंगे, क्या इस मैच को जीत पाएंगे टीम टेरर के लिए। और आवेज नॉकआउट होते हैं आई थिंक, यहाँ पे ग्लूल्स नहीं है तो यहाँ पे टीम टेरर के लिए थोड़ी सी दिक्कत होने वाली, अच्छे शॉट लिए बट ब्लैक एंड एट आएंगे यहाँ पे कन्फर्म करेंगे टीम एनलाइटन की। सो फाइनल फाइट बनती है एच के प्रिंस वर्सेस टीम एनलाइटन, टू टीम एनलाइटन प्लेइंग लाइक अ चैंपियंस और फाइनली वो आई थिंक बुया कुक हो गया उनके लिए पूरा और फाइनली वो जीत लेंगे यहाँ पे। क्या प्रिंस क्लच कर पाएंगे, प्रिंस का जबरदस्त शॉट ऑलमोस्ट क्लच करने के क्लोज है, ब्लैक एंड एट आएंगे, ब्लैक एंड एट भी बहुत लो है, वो पीच और ब्लैक एंड एट लो थे, फोर वर्सेस फोर करना है बहुत ज्यादा क्लोज थे। प्रिंस यहाँ पे बुया निकाल सकते थे अगर कुछ शॉट पहले थोड़े से कनेक्ट कर जाते तो, यहाँ पे प्रिंस बुया निकाल देते बट फाइनली यार एनलाइटेंड यहाँ पे बुया कर दी हुई जबरदस्त परफॉर्मेंस भाई एच के प्रिंस ओपी, हालांकि किल उन्होंने नहीं कंफर्म करी बट बहुत अच्छे नॉक्स निकाले थे। YouTube का आईडी पासवर्ड आ गया आप लोग जाके देख सकते हो, जबरदस्त परफॉर्मेंस भाई, भले एनलाइटन ने मैच जीता बट एचके प्रिंस से दिल जीता, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्लच कर दिया था, अगर एक क्लोज रेंज होती तो शायद ब्लैक एंड एट भी गया था, बहुत ओपी परफॉर्मेंस भाई। ओ भाई ओपी परफॉर्मेंस भाई, ओ भाई एनलाइटेंड की बचते बचते रह गई भाई, बस प्रिंस ने बहुत जबरदस्त खेला यार, अगर एक क्लोज रेंज होती उसके पास दोनों स्नाइपर लिए था वो, अगर एक क्लोज रेंज होती। हेलो हाँ सुन ना आईडी पासवर्ड दे दिया, आईडी पासवर्ड दे दिया, गंगास्टर आ भी गए कि नहीं आ गए, रुक जा अब है कि ये एनलाइटन क्या ही तो बची, खुद बची भाई, भाई वो ले गया था वो भी 22 एचपी ले गया था भाई उसको वो। अब बताओ फेज 2 क्या, फेज 2 फेज 1 की तरह ही है, जैसे एक क्वालीफायर चल रहे हैं वैसे वो भी चलेंगे बस और कुछ नहीं, अभी और भी टीमें जो इस फेज से बाहर होगी टीमें वो दोबारा रजिस्टर कर सकती है इसके लिए। कितने भाई हमारे डिस्कॉर्ड में ऐसे ऐसे लड़के भरे पिछले 20 मिनट से आईडी पास देके रखा है, बोला ज्वाइन कर लो ताकि बराबर स्लॉट दे दूं भाई कि कोई इंडस्ट्रियल प्लेयर ना आए। नहीं भाई हमको तो भैया अपनी मरवानी है, फालतू में पुराने निंजे को बुलवाने के काम करते हैं ये लोग। अबे मैच कितने बजे है, मैच डेढ़ 1:10 पे, 1:10 पे 15 मिनट रिप्लाई दो आज के पेस। ओपी ओम भाई जबरदस्त मारा यार, खा गया था यार तुम लोग एथिस्ट पूरा खा गया था, खा गया था भाई वो एक गोली पर टच होने की देरी थी। हम खेल सकते हैं क्या, आपको रजिस्टर करना पड़ेगा सुब्रता दास, अभी चाहो तो आप रजिस्टर कर सकते हो, एक गोली और तुम्हारे भैया के सपने पानी में चले गए। एचके वाले अच्छा खेले, अच्छा खेले, हाई स्किल किसकी टीम के रहे अभी मैंने रिकॉर्ड्स नहीं दिखा यार, अभी शायद एनलाइटेड ही निकाली ज्यादा किल्स और टेरर भी अच्छा, टेरर थर्ड आई, टेरर का मेरे को किल्स तो दिखे थे, अब एक्सपेक्टेड था कि यही टीमें कुछ हम लोग को मिलेंगी
स्क्रीन शॉट भेज दो व्हाट्सएप पे। मैं भेज रहा हूँ व्हाट्सएप। ये युगल की ये क्या भूल गया है क्या जीएफएक्स वर्क करना? हाँ तो भेज दिया तुमको। ठीक है हम खेल सकते हैं। हाँ मास्टर। टीम्स हमको और ये इनवाइट रमे कर। वाली टीम कौन सी है? रमे रिमे वाली वाली। हाँ रिमे की एक टीम थी रिमे नाम की टीम्स की। ठीक देखो तीन टीम्स आ गई हैं, फुल फुल आई हैं। देखो नहीं तीन रिमे चार थी और पांच। पी आर वाई के गेमर्स है। टीम है ऐसे डोमिनेटर्स है, अल्ट्रा बॉट ES 2.0 है, दी हंटर्स है, नॉट ट्रेटर्स है, किंग ऑफ हार्ट्स, फोर हॉर्समैन, गैंगस्टर, दी किंग्स, ट्रेड अप, टेरो आर्मी, बीए स्पोर्ट्स। अब सुन हाँ मेरे को एक ठीक बार है, बता कॉन्स्टेबल कौन सा है जो मैंने 10 वाला दिया था वो कि जो हमने दिया है देखो। अब उसमें जाते बहुत ज्यादा दिक्कत थी समझे, बहुत ज्यादा यार वो कहीं कहीं जगह जाए तो एक ही जगह पे दो दो पॉइंट्स, मतलब थर्ड वाले को भी वही है, फोर्थ वाले को भी यही है। तो यार थर्ड और फोर्थ आने का तो नहीं वो दिक्कत, तो मैं ये लोग फालतू की बातें करते उनका ध्यान भटकाने के लिए दिया था वो। हमने फिर दूसरी बनाई थी पॉइंट सिस्टम। देखो दी स्क्रीन फोटो डाली थी, इधर दिखाने 12 9 8 दिखाने 12 से स्टार्ट किया है और 11 12 को कुछ नहीं है, 9 10 को एक एक है, फिर 2 3 से चलेगा। ठीक है स्टार्ट ही नहीं ग्रुप भाई। 2 का मैच रिशेड्यूल हुआ क्या? ग्रुप 2 का मैच रिशेड्यूल हुआ क्या? नहीं भाई ग्रुप 2 का मैच 1 10 पे ही था यार आज। 10 पे ही था। हमने आईडी पासवर्ड इसलिए जल्दी दिया कि कोई अनरजिस्टर्ड प्लेयर आके बैठ ना जाए तुम्हारे साथ। हेलो मेरी हाँ आवाज आ रही है? हाँ नहीं मैं अरे ये बोल रहा निंजा तू वहां से प्लेयर के नाम पढ़ के बता दे, मैं यहाँ से चेक कर लूँ कोई रुक भाई जाओ भाई मैं मैसेज। कुछ और काम कर रहा है। आई एम डूइंग सम डिफरेंट वर्क ब्रो वेट अ मिनट। तो अबे तू करा, मैं हाँ देख के बता कर। रहा टीम तू। हम टीम के नेम बता रहे हैं, रुको रुको हमको अंदर लो पहले। प्रो टूर्नामेंट फुल डिटेल्स बताओ प्लीज, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, जाके ज्वाइन कर लो, अभी भी रजिस्ट्रेशन खुला हुआ है फेज 2 के लिए। अरे सोलो तो आओ। अरे हाँ आओ सर बुला रहे हैं इतने अच्छे से। देखो भाई तुम कौन सी टीम में हो, तुमको रोल मिल चुका है, जाके देखो तो। अगर तुम ग्रुप 2 में हो तो तुमको रोल मिल चुका है स्टार्ट का, वो 1 10 पे भाई। तो देखो पहले वॉइस है भी की कौन है सी है? अहमद अहमद की टीम कौन सी है? की बीए टीम स्पोर्ट्स। बीए स्पोर्ट्स भाई। तुम्हारा वॉइस तुम्हारा मैच यार कल लगा है और तुम अभी से रूल के लिए चिल्ला रहे हो आईडी पासवर्ड के लिए। शॉर्ट खाली तो आईडी वर्सेस बताओ और टीम। तो स्टार्ट कब होगा? 1 10 पे वेट भाई। एक दस पे आके बताओ। बोल चल का रोल किधर से मिलेगा? अरे सत्यम मैं तुम्हें दे दूंगा, परेशान ना हो, वो हम लोग देते हैं। अब कल मैचेस है ना, तो कल मैचेस के लिए हम लोग रात पे दे देते हैं रोल्स। अल्ट्रा बोला बॉट हम रात को। अरे भाई तुम लोगों का वैलेंटाइन डे कुछ तो जा रहा है, हमने सुनना है अबे किसी की अबे बंदे अल्ट्रा है। अल अबे अल्ट्रा बॉट का वो बता देता टीम, क्या अल्ट्रा बॉट का टीम बताओ। अब टीम तुम देख यूवी लो। प्रिंस वाली, यूवी प्रिंस वाली, हाँ टीम यूवी जी प्रिंस काका कौन को कौन? से दोबारा दी थी ना शायद टीम। नहीं कल दी। हाँ कल वाली देखा जो कल इसने भेज, नहीं आज भेजी है जो, वो देखना। हाँ चेंज टीम चेंजेस में भेजी होगी शायद। देखो अबे तुम टीम बोलोगे तो पूरी क्रिकेट की वो तो। रजिस्ट्रेशन यूबी प्रिंस देखनी पड़ेगी हमको इधर से भाई। आज सोलो टूर्नामेंट नहीं करवाओगे क्या? नहीं भाई आज फुल मैप करवाना है। तुम रूम में देखो कौन सी टीम आई है, यूबी प्रिंस की एक टीम बैठी है कहाँ यूबी पे? हाँ ये अल्ट्रा है फोर अल्ट्रा अल्ट्रा बॉट्स ES 2.0। देखो टीम के प्लेयर के नाम बताओ देखो ग्रुप से। देखो ये देख लो अल्ट्रा बॉट्स ES 2 प्रोफेसर नहीं है, प्रोफेसर नहीं। प्रोफेसर नहीं है क्रिक मारो। टीम चेंजेस में देख ले। चेंजेस देख लो। हाँ यूवी प्रिंस नहीं, उसने वर्ल्ड रजिस्ट्रेशन में एक टीम दे दी, उसमें प्रोफेसर। अल्ट्रा
और रजिस्ट्रेशन में कहाँ भेजी थी, पागल है क्या, कहाँ भेजी? जहाँ से मिली और रजिस्ट्रेशन में पड़ी है। भाई यहाँ तो नहीं है यार, और रजिस्ट्रेशन में कोई डीम नहीं पड़ी है मुझे सर। यूडीएफ रजिस्ट्रेशन, हाँ उसमें है रजिस्ट्रेशन में भी, उसमें है प्रोफेसर नहीं है उसमें, सब्स्टिट्यूट में भी। कंफर्म टीम्स, टीम चेंजेस में, टीम चेंजेस में है ही नहीं, किसी ने दिया ही नहीं है प्रिंस का। इसमें देखो ना यूडीएफ रजिस्ट्रेशन में उसमें तो नहीं है, ठीक है। और जरा आरएस वालों को भी एक एक माइनस मिलेगा शायद मुझे, इनके प्लेयर की दिक्कत। माइनस थ्री देना है कि मेरे को बाद में बता देना, ठीक है? हाँ माइनस थ्री या माइनस फाइव, नहीं माइनस थ्री दे देंगे, ज्यादा नहीं माइनस थ्री। अरे सर मतलब क्या हुआ, क्या आरएस वालों का एक प्लेयर दूसरा था शायद, चारों आरएस के थे मगर रजिस्टर नहीं था। स्टार्ट मत करना, मैं एक मिनट देख के बता। बोला डाउनलोड हो जाएगा, हो जाएगा। ये क्राउन ओपी वाली टीम कौन सी है? टीएच क्राउन ओपी एक कंफर्म टीम, उसको देख रहे हो टीम्स को। ये भाई आर्मी कौन सा स्लॉट है भाई, तुम लोग स्लॉट भी नहीं देख सकते क्या? अब हम लोग स्लॉट स्लॉट देख के बताएंगे, बता दिया आप, याद थोड़ी रहते एक एक स्लॉट यार, स्लॉट देखा करो ना यार, इतना काम भी नहीं कर सकते क्या अपने लिए? कैसे टिक प्लेयर बनोगे भाई तुम लोग, इतनी चीजें नहीं देख सकते हो तो फिर बेकार है यार। आर एस सार्थक सही है, निंजा आर्मी शायद, हार्दिक सही है, निंजा आर्मी जानते हो, शिवम भट्टी, निंजा आर्मी थी ग्रुप वन में, उसका हो गया मैच, आईसी स्पोर्ट्स भी नहीं आई और वो छोड़ो। ये रिमा वाली टीम में प्रोजीत भी अंदर ही, प्रोजीत निपटाओ 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 राइजिंग स्टार वालों का। तुमने स्काई वॉकर का कुछ किया था क्या, वॉल्कर का? नहीं तो हाँ कि किया था, कहे कि किया भाई, क्योंकि वो दूसरे स्लॉट में बैठे, पहले ही पूरी स्क्वाड स्काईवॉकर दूसरे स्लॉट में बैठा था तो उनको लात पड़ेगी। तो फिर तो देखो श्लोक, इसने क्या बोलते हैं, देखो अब इसका एक है आरएस श्लोक करके, वो रजिस्टर्ड भी नहीं है और नहीं सब्स्टिट्यूट में, तो इनको मैं माइनस थ्री दे रहा हूँ, ठीक है? हाँ देना पड़ेगा भाई, हमारे तो नहीं कटेंगे ना। निंजा आर्मी भाई जब तुमने खेला हो, अच्छा निंजा आर्मी खेली, एनजे वाले खेले हैं। अगर देखो भाई अभी सब जाके टीमें मिलाई जाएंगी है, कौन सी टीम खेली थी, इसमें कौन कौन से प्लेयर थे, सब देखा जाएगा, फिर उसके बाद माइनस प्लस देखा जाएगा, ठीक है? क्योंकि हम लोग इतना टाइम दिया सबसे, कहा कि भाई अपने प्लेयर्स बता दो कि कौन से किसके प्लेयर खेल रहे हैं, रजिस्टर्ड है कि नहीं है, क्योंकि फिर पड़ेगी लात तो फिर भाई दिक्कत होगी तुम लोग को, फिर बाद में चिल्लाओ। आर टू के वाले कौन थे? आर टू के की टीम थी, कौन थे ये? टीम थी आर टू प्लस का में, आर टू के की टीम थी एक टीम थी आर टू के नाम से थी, देखेंगे चलो बाद में देखते हैं अभी, ठीक है? अभी इसके लिए परेशान ना हो, अभी तो मैच कराने में परेशान ना हो। और टीमें नहीं आ रही हैं, एक बार और मेंशन कर दे, लेजेंड स्पोर्ट्स की थी है ना? नहीं नहीं लेजेंड नहीं, वो तो केएमसी की थी। नहीं वो तो 24 में करेंगे बस, पॉइंट्स वाले बाद में बनाएंगे हम भाड़े में, तो सोचा अभी बनाएंगे, वाला टीम का पता ही नहीं आता पता। हाँ टीमों का अभी नहीं, टीमें जानते हो अपने आप को ज्यादा चलाक समझती है ना बेटा, हम सबसे ज्यादा चलाक हम हैं। बस भाई पुराने निंजा को मत बुलवाने के नौबत लाना, फालतू में पिल जाओगे। गिव शाउट आउट टू योग, योग भाई अ बिग शाउट आउट टू यू, बहुत सारे क्वेश्चन है टूर्नामेंट से रिलेटेड, क्या मैं पूछूं? ब्रो देखो वीडियो बना दी है, जाके देख लो एक बार, उसका रजिस्ट्रेशन एक्सटेंड हो गया है, क्वालिफाई में लास्ट सेकंड जून में 25, तो फाइनल में क्या होगा? फाइनल में तो मजा ही आ जाएगा ब्रो, वो डिपेंड करता है ना। ए निंजा बहुत बढ़िया, बस बहुत बढ़िया देवेंद्र भाई, तो क्या हुआ, बहुत गंदी आवाज आ रही तेरे माइक से, एक दो तीन चार,
7 टीमें आई हैं यार। तो हम रजिस्टर नहीं कर सकते? अभी भी कर सकते हो ब्रो, कहा तो अभी फेस टू के लिए आप रजिस्टर कर सकते हो। कल हमारा इंटरमीडिएट टूर्नामेंट है, कुछ करो भाई। अब कल तो होगा ही मैच यार सिद्धार्थ भाई, आप लोग एडजस्ट करो, 7 बजे मैचेस है, कहीं आपको एक जगह स्किप करना पड़ेगा। अब वो आप देख लो, क्योंकि यार हम लोग ने पहले ही बता दिया था कि मैचेस होंगे कल। अब तुमने टाइमिंग का बोला, हमने टाइमिंग एडजस्ट कर देंगे भाई। अब कितना एडजस्टमेंट कर ले, इतना तो नहीं है एडजस्ट कर सकते ना यार, हद से ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं हो सकता ना यार। एक लिमिटेड लिमिटेड टाइमिंग के एडजस्टमेंट, डेट के एडजस्टमेंट नहीं हो सकते। अभी से फट रही है तो तुम्हें मजा आएगा फाइनल्स और सेमीफाइनल्स में, तो बहुत मजा आएगा। क्या किया जाए, 1-10 होने वाला, स्टार्ट कर दूंगा ठीक है, कोई कोई वेट नहीं। यूपी प्रिंस वाले कह रहे हैं कि यूपी प्रिंस कह रहा है कि उसके बंदे को क्यों निकाला, रजिस्टर्ड था उसका मतलब। कौन कौन था, कौन था, कौन यूबी, उनका बंदा दूसरी जगह बैठेगा? प्रोफेसर, प्रोफेसर रजिस्टर ही नहीं था? अब पता नहीं, वो सब मैं नहीं जानता, आप एक बार पूछ लो, चैट में वो लोग कुछ लिख रहा है उसका रिप्लाई कर दो कोई। एक मिनट जो देख रहा, प्रोफेसर यूबी वालों ने कहीं टीम ही नहीं दी दोबारा, टीम चेंजेस में दी ही नहीं है ना दोबारा, टीम चेंजेस में कुछ दिया ही नहीं है इन लोगों ने, यूबी वालों ने। इसको बोलो, असिस गेमर को बोलो, ये हमारा मॉडरेटर तो बैठा है ना, इनको बोलो अभी काम करने। यूबी प्रिंस कहीं था ही नहीं टीम चेंजेस में। हम हमारे अंदर अपरिचित आ रहा है, फालतू में जस्टिस से वापस आ जाएगा लॉन्डो को, इसलिए मैंने 20 मिनट पहले आईडी पास दे दिया था कि आके बैठ जाओ। नहीं भैया, हमको तो स्ट्रीम पे दिखना है पहले, भाड़ में जाए है ना, अब दिख लो स्क्रीन पे। एक मिनट, क्या हुए साली यूबी प्रिंस को हम बात कर रहे हैं, यूबी प्रिंस से साली होगा तो बुला लिया जाएगा, कोई अपरिचित दिक्कत नहीं। शांत हो जा। ब्रो किरण, ये किसकी टीम से है? यूपी प्रिंस, यूपी प्रिंस की टीम क्या है? एक मिनट को प्रिंस से देखना पड़ेगा टाइम। यूपी प्रिंस की टीम थी अल्ट्रा वॉट सीएस 2.0, इसने नाम दिया तो है नहीं कहीं यार। अल्ट्रा वॉट सीएस 2.0 नंबर देखा रजिस्ट्रेशन का, उसका कितना था? 31 नंबर तो बहुत ऊपर होगा। हाँ ये रही, हाँ रजिस्टर्ड है इसका प्लेयर, जबरदस्ती रजिस्टर्ड है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, निकाल दिया कोई दिक्कत नहीं। हाँ चेंज मिल, कोई चेंज मिल नहीं हुआ, स्टार्ट कर साइन। लो भैया एक मिनट रुक जाओ यार, तो हाउ टू रजिस्टर लाइव चैट पे वीडियो का लिंक है, जाके देख लो आप रजिस्टर कर पाओगे। अभी क्या है भाई, 2K 1 अलग टूर्नामेंट होगा ना, फेस टू के एक अलग टूर्नामेंट होगा ना इससे अलग, और वो कब से है वो प्लीज ब्रो देखो। फेस टू के लिए आप रजिस्टर कर लो, जैसे ही इसके फाइनल्स खत्म होंगे वो टूर्नामेंट अलग नहीं होगा, इसी का फेस टू है, आप उसी के लिए अभी रजिस्टर कर लो, वो अलग टूर्नामेंट नहीं होगा ठीक है। हाँ यूपी वालों का कट गया, एक बंदा इनका आया भी नहीं, चला गया पता नहीं कैसे, दो ही बचे। बताएगा यूआईडी मैच करो तो भाई, एक एक प्लेयर की यूआईडी हम लोग नहीं मैच कर सकते, सिंपल सी बात। नाम वगैरह नहीं चेंज करना चाहिए भाई, पता नहीं समझ। भाई तुम लोगों को 20 से 25 मिनट पहले आईडी पास दिया था, जॉइन कैसे कर भाई, लाइव चैट पे वीडियो का लिंक है जाके देख लो, पिन किया है। सर जी, उनको बोलो ना, जो भी आएगा ना कि हमारे प्लेयर
वो किक क्यों किया, उनको यही बोलो इसने तुमको 20 मिनट पहले आईडी पास दिया था ताकि रूम ज्वाइन कर लो कि बराबर से हम लोग मैच कर ले, इसलिए मैंने दिया था। अब नहीं आयो तो भैया हमारी कोई गलती नहीं है, हमने अपने तरफ से एफर्ट डाले थे, तुम लोग गधे हो बस। और इससे ज्यादा हम आ गए तो भैया 18+ हो जाएगा। गॉड भाई रखे भी अकेले खेल रहे दिखाई देगी तो ये गैंग साइड के एरिया पे फोर्स की ओर रुक करती हुई, यहाँ पे टीम नंबर 5 दिखाई देगी गॉड फोर्स के एरिया पे लूट कर, गैंगस्टर आएगी यहाँ पे क्रॉस फोर्स के एरिया पे लूट करती हुई दिखाई देगी। टीम्स साइबर चार्ड उसको यहाँ पे लीड करेंगे टीम गैंगस्टर को, नॉट की आई नॉट दूसरी टीम से, यहाँ पे नॉट की सेकंड टीम आएगी, यहाँ पे अर्नव दिखाई देंगे उसको लीड करेंगे, ओके सॉरी वैभव लीड करेंगे एक्स इनसेन आते हुए, और टीम नंबर 2 से मिहिर अकेले आएंगे डबल इलेक्ट्रिक के साथ। टीम बीए बीए स्पोर्ट्स आएगी 4-man स्क्वाड के साथ, तो यहाँ पे देखते हैं कौन सी टीम, नहीं 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 चार आईडी से नहीं, अपने चारों दोस्तों से कहो, चार आईडी से कोई फायदा नहीं। तो डेरी मिल्क यहाँ पे दिखाई देंगे बीए के अहमद, टीम यहाँ पे लूट करेंगे मारू लक्स के, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्लो पेस गेम दिखाई देगा क्योंकि टीम से यहाँ पे रजिस्टर करने के बाद थोड़ा सा इनएक्टिवनेस दिखाई यहाँ पे उनको ऑलरेडी बताने जाने के बाद भी यार टीम में नहीं आई, तो कोई बात नहीं उनका घाटा है इसमें मेरा कुछ नहीं जाता। यहाँ पे इनिशियल फाइट हो जाएगी, प्रो किरण यहाँ पे फिनिश होंगे, गॉड के मेल थर्ड पार्टी पूरा करेंगे, सो रिम है यहाँ पे टीम तो दिखाई देंगे अल्ट्रा बॉस ES 2.0 से, ओके ओके सॉरी सॉरी रिम की टीम आएगी यहाँ पे सॉरी PR YK Gamers की टीम, ये हम लोगों को दिखाई देगी टीम नंबर 12 PR YK Gamers, तो देखते कितनी अच्छी फाइट्स निकालते हैं, मिहिर अकेले बचे उनको दिक्कत देने के लिए, देखते कितनी ज़्यादा दिक्कत देते हैं और कितना ज़्यादा नुकसान करते हैं अपोनेंट टीम का। एक अच्छा नेड यहाँ पे पूरी टीम मिहिर को फिनिश कर सकता है, और नॉट की टीम यहाँ पे मौत हाउस पे ब्लू जोन पे उतरी है और लूट करेगी, इट्स अक्षित यहाँ पे टूला, तो यहाँ पे टीम नंबर 5 जो की हमारी चपेश की टीम जो की जाएगी माउंट वाला के एरिया पर लूट करे, टीम TH फोर्स के एरिया पर लूट करे, तो स्लो पेस गेम दिखाई देता हूँ थोड़ा सा हम लोगों को। क्या लगता है गाइस आपको इसमें कौन जीतेगा, टॉप 6 में कौन आएगा, वैसे टीमें तो ज्यादा है नहीं बट देखते कौन टॉप 6 में आता है। यश गॉड मिहिर को फिनिश करेंगे, तो फाइनली यहाँ पे टीम PR के PR YK Gamers ने फिनिश कर लिया है मिहिर को, और एक प्लेयर का नुकसान यहाँ पे झेलना पड़ रहा है टीम PR YK Gamers को, काफी यूनिक नेम रखा है इन्होंने, काफी यूनिक नेम रखा है यहाँ पे। टीम नंबर 12 ब्राजीलिया के एरिया पे है, और टीम UVM सेंट्रल के एरिया पे लूट करेगी, पूरी 2-man स्क्वाड है, देखते हैं कितना अच्छा परफॉर्म करती है, क्या अपनी टीम को टॉप 6 में बना पाती है कि नहीं बना पाती। रजिस्टर करना है, किसमें रजिस्टर करना है, अभी तो आप खेल के गए प्रतीक सिंह कह रहे हो, टीम TH यहाँ पे दिखाई दे रही है फोर्स के एरिया पे, तो अपनी इजी लूट कंप्लीट करेगी सॉरी यार नहीं ठीक है, तो यहाँ पे काफी स्लो पेस गेम दिखता हुआ हम लोग को, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ग्रुप 3 और ग्रुप 4 के मैचेस कल शाम से होंगे, तो ग्रुप 3 और 4 रेडी रहे, अपने आप को प्रिपेयर कर ले, ऑलरेडी आपके मैचेस कल शाम से स्टार्ट होंगे। नॉट क्रिटर्स, तो नॉट क्रिटर्स की ये टीम हम लोग को दिखाई दे रही है, देखते हैं कितना अच्छा परफॉर्म करते, क्योंकि पिछली नॉट की टीम से भी अच्छा परफॉर्म किया था बट थोड़ा सा लैग किया, और जिसकी वजह से यार टॉप में तो पोजीशन बनाई बट इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, देखते यही टीम के इतना अच्छा परफॉर्म करती है। सो देखते हैं आगे चलते हैं क्या होता है और कैसे होता है। एक मिनट वेट अ मिनट, मुझे कुछ चीजें एडिट करनी है।
एक मिनट वेट अ मिनट, मैं आता हूँ गेम पे कुछ ही पे। मुझे दुबे हेलो ब्रो वेलकम टू द स्ट्रीम नॉट ट्विटर सब लोग दिख रहे हैं देखते कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं यहाँ पे। तो अभी उनके पास काफी इजीली लूट करते हैं गैंगस्टर या क्रॉस रेट से यहाँ पे काफी अच्छी लूट कर सकते हैं। यहाँ पे टीमों के पास अच्छी लूट लेने का चांस है। तो पे इस गेम होगा फोर वोट लेगा क्योंकि टीम से यार थोड़ा सा इनएक्टिव रही यहाँ पे। तो वैलेंटाइन वीक्स में यार वैलेंटाइन डे के दिन तो टीम्स कही है अपने मौज करने, देखते हैं आगे आते हैं कि नहीं आते हैं। तो फेज टू में देखते हैं कितनी टीम्स आई। फेज वन का भी तो मैचेस चल रहे हैं देखते हैं। ग्रुप टू का ये मैच, ग्रुप थ्री और ग्रुप फोर के मैचेस कल होंगे तो आप ग्रुप थ्री फोर के मैचेस कल देख पाएंगे। कहाँ से ऑफ रहेंगे मेन सेमीफाइनल्स और फाइनल्स से, मेन वाला जो सेमीफाइनल्स होगा जो ग्रुप फेज टू के बाद जो सेमीफाइनल्स और फाइनल्स होंगे उसमें ऑफ रहेंगे। ओके सीमेंट में पार्टिसिपेट कैसे करें ब्रो? लाइव चैट पे वीडियो को लिंक है, जाकर रजिस्टर कर लीजिए। अभी आप फेज टू के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। प्रियांशु यहाँ पे दिखाई देंगे हम लोग को ब्राजीलिया के एरिया पे लूट करते हुए। क्या लगता है आप लोगों की कौन सी टीम यहाँ पे बूया मारेगी आप लोग कमेंट करके बताओ मेरे को यहाँ पे, क्योंकि गैंगस्टर और यहाँ पे टीम फाइव गैंगस्टर और मेरे हिसाब से यहाँ पे टीम बी ए स्पोर्ट्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। टीम फोर मैन स्ट्रॉन्ग है, काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, देखते कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं। डेरी मिल्क यहाँ पे दिखाई देंगे तो काफी ज्यादा सोलो टूर्नामेंट से काफी अच्छी परफॉर्मेंस निकाली है अभी तक डेरी मिल्क ने, देखते हैं स्क्वाड टूर्नामेंट में कितना अच्छा साथ निभा सकते हैं अपनी टीम का। निखिल आएंगे यहाँ पे स्क्रीन पर लोग दिखाई देंगे। पी ए के अहमद यहाँ पे टीम को लीड करेंगे, काफी केपेबल प्लेयर है बट देखते हैं अपनी केपेबिलिटी को यूटिलाइज कर पाते हैं या केपेबिलिटी को दिखा पाते हैं कि नहीं। यहाँ पे एक एम ए टू बी को स्किप किया जा रहा है तो इनसेन यहाँ पे सिंगल एम ए टू बी को प्रेफर किया है, डबल एम ए टू बी को नहीं प्रेफर किया है। अर्नव के पास, इनसेन के पास और दो प्लेयर्स के पास यहाँ पे एम ए टू बी, तो यहाँ पे दो एम ए टू बी के साथ नॉट ट्रेटर्स खेलेगी। तो देखते हैं क्लू हाउस को कितनी जल्दी ब्रेक करती है यहाँ पे नॉट की ट्रेटर्स। सॉरी यार आप लोग बताओ आप लोग किस टीम को सपोर्ट करो यहाँ पे। मैं यहाँ पे सपोर्ट करूंगा थोड़ा सा नॉट ट्रेटर्स को और यहाँ पे गैंगस्टर्स को थोड़ा सा सपोर्ट अपनी तरफ से करूंगा, मेरी पर्सनल फेवरेट टीम्स में रहेंगी। बट देखते हैं कौन सी टीम यहाँ पे बुआ निकाल देगी। टीएससी टीम ने फर्स्ट टाइम एंट्री ली है तो देखते हैं कितना अच्छा परफॉर्म। यूबी की टीम टू मैन आई है बट फर्स्ट टाइम एंट्री है। रिमे की टीम ने भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम एंट्री ली है तो पी आर वाई के गेमर्स ने फर्स्ट टाइम एंट्री ली है। हम लोग इस टूर्नामेंट में फुल मैप के काफी स्लो प्लेस जाता हुआ गेम, तो अभी फर्स्ट फेस ही नहीं क्लोज हुआ जोन का और टीमें 23 प्लेयर्स अलाइव हैं, 26 स्क्वाड्स अलाइव। सोलो प्लेयर यहाँ पे फिनिश हो चुके हैं, गॉड मिहिर जो थे आए थे। यो प्लीज डिस्कॉर्ड में आ जाओगे तो क्या होगा, कोई दिक्कत थोड़ी होगी। प्रियांशु भाई हमारे ब्राजीलिया के एरिया पे, यश भाई अपने ब्राजीलिया के एरिया में, तो टीम पी आर वाई के गेमर्स अभी भी ब्राजीलिया के एरिया में लूट कर रही है और अपना सर्वाइवल करती है। यहाँ पे ये स्पोर्ट्स यहाँ पे उनको दिख सकती है फाइट्स करते हुए। ब्राजीलिया का अपर ग्राउंड होल्ड कर रखा है, अगर यहाँ पे रेंडर डिस्टेंस में आते हैं डेरी मिल्क के तो यहाँ पे कुछ अच्छे शॉट्स देखने को मिल सकते हैं हमें डेरी मिल्क की तरफ से। पी आर वाई के गेमर्स को स्पॉट करेंगे या कि नहीं, अगर यहाँ पे यश ये जिपलाइन लेते हैं तो यहाँ पे पी आर वाई के गेमर्स के लिए थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है क्योंकि यहाँ पे बी ए स्पोर्ट्स उनको आई थिंक जरूर स्पॉट कर लेगी। ओके डेरी मिल्क ने अभी भी स्पॉट नहीं किया और गेम को कैजुअली लेते हुए यहाँ पे आप कैजुअली गेम प्ले आपका दिक्कत दे सकते हैं क्योंकि पी आर वाई की गेमर्स आपके जस्ट बगल में आ चुकी है बी ए स्पोर्ट्स, तो यहाँ पे स्पॉट कर लिया फाइनली बी ए स्पोर्ट्स। प्रियांशु को ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा लो कर दिया फाइनली, ग्रोवर्स एक अच्छा कॉर्ड बनाया अपने लिए। सो यहाँ पे अच्छे पूरी टीम यहाँ पे बी ए स्पोर्ट्स की कोऑर्डिनेटिव तरीके से शॉट्स लेती हुई। अभी फेज वन पूरा कंप्लीट कहाँ हुआ ब्रो? फेज वन अभी कंप्लीट कहाँ हुआ है? अभी तो फेज वन के क्वालिफायर्स नॉकआउट्स चल रहे हैं अभी तो। तो साइबर आर्मी फील्ड्स के एरिया पे, तो यहाँ पे साइबर आर्मी ओके सॉरी
यहाँ पे गैंगस्टर यहाँ पे थर्ड पार्टी कर सकती है और जेराज यहाँ पे AWM कैरी करते हुए देखते हैं कितनी अच्छी यूटिलाइज करते हैं, क्या शॉट्स देखने को मिल सकते हैं हमें जेराज की तरफ से। साइबर जार यहाँ पे टीम को लीड करेंगे, वो काफी अच्छे लीडर हैं, देखते हैं कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि यहाँ पे गैंगस्टर CS की बहुत ही अच्छी स्पेशलाइज टीम है, बट देखते हैं इस बार कितना अच्छा होता है। नॉट की टीम बस कैजुअली लेते हुए, तो यहाँ पे PRY के गेमर्स को हम लोग स्पॉट करेंगे देखेंगे। तो यहाँ पे फाइनली वो जोन के एज पे पहुंच चुके हैं, गैंगस्टर और BA स्पोर्ट्स के हम लोग को फाइट देखने को मिल सकती है, गैंगस्टर फील्ड्स के एरिया पे है और वो जाती है, तो BA स्पोर्ट्स को भी यहाँ पे अंदाजा लग चुका है यहाँ पे एक और टीम है जो कि गैंगस्टर है, क्योंकि ड्रॉप्स को मंगा लिया गया है, अपनी पर्सनल ड्रॉप्स को यहाँ पे मंगा लिया गया है। देखते हैं कब तक फाइट्स को इंगेज किया जाएगा, कब तक होल्ड की जाएगी और कब इंगेज की जाएगी। उत्कर्ष राज, हेलो भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम। अगेन अच्छे शॉट लेते हुए दिखाई दे, तो देखते हैं इन प्लेयर्स को शॉट लेंगे। यहाँ पे PRY गेमर्स के कुछ प्लेयर थे, PRY गेमर्स यहाँ से निकल चुकी है, कैंप साइड के एरिया में UB की टीम की फाइट होती है, लोग दिख रही है, देखते हैं। और ये आई थिंक THE टीम से फाइट हो रही है, टीम नंबर 9 वर्सेस टीम नंबर 10 हो गया है, तो टीम नंबर 9 यहाँ मैन टू मैन एडवांटेज में दिखती हुई पो आएंगे। यहाँ पे सल्लू भाई हमारे कुछ अच्छे एक एक शॉट्स कनेक्ट किए, यहाँ पे क्राउन OP भी दिख रहे हैं हम लोग को डबल वेक्टर के साथ, तो क्राउन OP का काम यहाँ पे केवल पिट कर सकते, क्या हम अभी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं? यस ब्रो, यू कैन पार्टिसिपेट फॉर फेज 2। क्राउन OP को काफी अच्छा खासा डैमेज आया है। यहाँ पे अक्षित की किल कंफर्म के लिए है गैंगस्टर ने, तो गैंगस्टर की फाइट भी हो गई, यहाँ पे इट्स अक्षित को कंफर्म कर लिया गया है। और यहाँ पे टीम फाइट काफी ज्यादा दिक्कत में दिख रही है और थर्ड पार्टी है PRY के गेमर्स और हो गए रिमे फिनिश करेंगे OP चक्रेश को। टीम नंबर 5 फर्स्ट एलिमिनेशन लेती हुई तो थर्ड पार्टी में यहाँ पे टीम नंबर 12 ने स्क्वाड वाइप किया, दो प्लेयर्स को फिनिश किया है यहाँ पे और दो किल्स कही है गैंगस्टर के खाते में। ओके, यहाँ पे एक थर्ड पार्टी हम लोग को देखने को मिले नॉट की तरफ से, जबरदस्त AWM का यूज दिख रहा है नॉट की तरफ से, गैंगस्टर वर्सेस नॉट, एक अच्छे शॉट कनेक्ट किए जयराज ने, 7-4 को नॉकआउट किया गया था। चार के पास यहाँ पे एक M79 दिख रहा है, तो देखते हैं कितना अच्छा यूटिलाइज करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग फाइट दिख रही है हम लोग को मिल रही है। सो क्लोज करते हुए यहाँ पे क्लोज इन करते हुए चार्ट यहाँ पे, क्योंकि डबल एवेट टू भी है यहाँ पे, एक परमानेंट कवर आपको जरूर चाहिए। वेसेस रिपर बुलेट को कैरी किया है यहाँ पे चार्ट ने, तो वेसेस रिपर बुलेट का एक आफ्टर डैमेज बहुत ज्यादा दिक्कत दे सकता है नॉट की टीम को, बट नॉट की टीम के पास डबल एवेट टू भी है, इतना अच्छी कनेक्ट करते हैं जयराज, क्या उनका जवाब दे पाते हैं अपनी AWM से, देखते हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी का सिलसिला चालू हो सकता है क्योंकि BA स्पोर्ट उसी एरिया पे आ सकती है, तो BA स्पोर्ट्स एक रोटेशंस लेती हुई नॉर्थ की टीम के ऊपर M79 के वहां ये शोने लगी, तो इंसेन को नॉकआउट करेंगे यहाँ पे जाट, रश होता हुआ। अब यहाँ पे टीम 5 गैंगस्टर यहाँ पे जरूर रश करना चाहिए, हर्षु जयराज कोऑर्डिनेटिव परफॉर्मेंस जयदेव उनको फॉलो करेंगे, एक M79 का मैक्स उनको शॉट करने के बाद उतना छड़े में नहीं दिया। और यहाँ पे हैंड कैनर ओ बहुत जबरदस्त नॉक किया था जयदेव को, बट यहाँ पे कोऑर्डिनेटिव फायर बचा लिया, वैभव है भी नॉक है, अर्णव अकेले बचे हैं, 1v3 की सिचुएशन, मैक्स 7 से नॉकआउट किया, इनसेड अकेले बचे हैं और अर्ना फिनिश हुए और क्या भी नॉट क्रेटर्स की टीम पूरी एलिमिनेट होती है। यहाँ पे गैंगस्टर उनको एलिमिनेट करी बट जयराज की किल कर उन्होंने कन्फर्म कर ली, तो गैंगस्टर यहाँ पे काफी अच्छी परफॉर्म करते हैं। भाई मैं बोल रहा हूँ क्या काम है क्या यार, हर्षो नॉकआउट हो चुके हैं, यहाँ पे थर्ड पार्टी हो चुकी है, यहाँ पे बहुत अच्छा एक एडजॉइंट कनेक्ट किया है यहाँ पे BA स्पोर्ट्स, यहाँ पे गैंगस्टर के लिए थोड़ी सी दिक्कत दे सकती है, उनकी रोटेशन काफी ज्यादा लिथल डेंजरस हो सकती है, गैंगस्टर के लिए थर्ड पार्टी बहुत गंदी हो सकती है। यहाँ पे टीम THP यहाँ पे फाइट्स में इन्वॉल्व होती है दिखेगी, यहाँ पे थोड़ी देर में PRY के गेमर्स आ चुकी है फील्ड्स के एरिया में, तो ये फाइनल जोन फील्ड से बनता हुआ जिस टीम के पास एक हायर ग्राउंड एडवांटेज वहां पे वो टीम जीतेगी। और जाट के यहाँ पे M79 बरसते हुए टीम PRY के गेमर्स के ऊपर, तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे टीम THP आ चुकी है थर्ड पार्टी के लिए, तो PRY के गेमर्स के लिए थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है यहाँ पे इस टाइम, क्योंकि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग मैच है यहाँ पे। साइबर जाट यहाँ पे लीड कर रहे हैं, देखते हैं कितना अच्छा लग रहा है, तो रश करने का ट्राई किया गया है साइबर जाट की तरफ से, गैंगस्टर के जयदेव उनको कौन फायदे हर्ष यहाँ पे थोड़ा सा लूट कम्प्लीट कर, तो THP टीम के पास भी एक अच्छा स्पॉट हो चुका है, बट फाइनली जोन शिफ्ट करता हुआ BA स्पोर्ट्स आती हुई थर्ड पार्टी में हम लोग को दिख रही है, उनको अंदाजा लग चुका है कहाँ पे फाइट हो रही है और कहाँ पे उनको फाइट्स लेनी है। फाइनली निखिल आएंगे यहाँ पे, निखिल उनको कवर फायर देंगे, यहाँ पे न्यू प्लेयर इंक्लूजन हुआ है यहाँ पे टीम BA स्पोर्ट्स में। साइबर के जार्ड को काफी अच्छे शॉट्स पड़ते हुए
ओके हर्षु को नॉकआउट कर लिया, बट देखते कितनी डैमेज वाइव मिल जाएगा। और चार्ट के लिए काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है यहाँ पे, उनको अपने टीममेट्स को बचा पाना बहुत मुश्किल लग रहा है यहाँ पे। सो टीम गैंगस्टर यहाँ पे सैंडविच हो रही है, थर्ड तरफ से टीम गैंगस्टर को टारगेट किया जा रहा है। चार्ट फिनिश होंगे AWM के शॉट से निखिल यहाँ पे, तो पूरा फायदा उठाएगी यहाँ पे टीम BA Esports। आई थिंक जयदेव अकेले बचे हैं और जयदेव के लिए अकेले सर्वाइव करो क्योंकि उनके पास वेस्ट भी नहीं है, बहुत मुश्किल होने वाला है। THQ टीम यहाँ पे आएगी PRY के गेमर्स के ऊपर, क्राउन OP का डबल वेक्टर का स्प्रे कनेक्ट नहीं हुआ, राजपूत यहाँ पे अंशु को फिनिश करेंगे। तो थर्ड पार्टी पूरी तरफ से क्राउन OP यहाँ पे रेमा की किल कन्फर्म करते हुए, तो यहाँ पे टॉप टीमें मिल चुकी है हम लोग को। टॉप थ्री टीमें गैंगस्टर भी एलिमिनेट होती है, प्रिया PRY के गेमर्स के यश अकेले बचे हैं, फ्यूज के एरिया पर लूट कर रहे हैं। ओके सॉरी, तो फाइनल जोन है, जोन में अंदर एंट्री लेना चाह रहे हैं, उनके पास एक अच्छी खासी वेस्ट है। तो देखते हैं कब तक ये फाइट को कॉर्डिनेट कर पाते, क्या अपनी टीम को टॉप टू में ला पाते हैं या कि नहीं, बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही है। टीम TH यहाँ पे फाइट लेके BA Esports से हो, BA Esports इजिली विन करने के इस मैच को बहुत करीब है, पूरा के बहुत करीब दिखाई दे रही है टीम BA Esports, काफी अच्छा खेलती है अभी भी गेम को। सनू को शॉट आया बट उतना खास डैमेज नहीं आया है, जोन के अंडर एंट्री ले रही है टीम TH काफी अच्छा परफॉर्म करते हुए। यहाँ पे टीम 12 के लिए यश, PRY गेमर्स के लिए यश काफी अच्छा खेलते हुए यहाँ पे टॉप 3 अपनी टीम को ले आए किसी तरह। देखते हैं अब आगे कितना अच्छी फाइट्स को निकालेंगे यहाँ पे, कैरी करेंगे। सो यहाँ पे फाइट्स हो चुकी हैं, सो TH की तरफ से रश हुआ है, BA Esports के कुछ प्लेयर यहाँ पे फाइट्स करते दिख रहे हैं। तो यहाँ पर यश को फाइनली फिनिश कर लिया, यश की किल कंफर्म की गई है। राजपूत अच्छे शॉट लिए यहाँ पे, कवर फायर मिलता है और राजपूत एक अच्छा खासा, और सल्लू को फिनिश किया है। तो BA Esports के हाथ में भूया दिख रहा है, 2v4 की सिचुएशन है, क्या TH के दो प्लेयर मैच में क्लच कर पाएंगे एक मैच। हारने के बाद कुछ मौका नहीं है, आपको फेज 2 के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा। यहाँ पे टीम BA Esports के लिए यहाँ पे भूया कुक हो रहा है पूरी तरह से, बट क्राउन OP यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत दे सकते हैं, उनके पास एक डबल वेक्टर है और फिनिश किया, एक MP40 का जबरदस्त प्ले आया टीम BA Esports की तरफ। निखिल मॉम यहाँ पे जबरदस्त परफॉर्मेंस निकालते हुए भूया कुक किया था और उसको पका के खा भी लिया यहाँ पे टीम BA Esports से। गैंगस्टर्स के हाथों में मैच था, बट जो BA Esports की रोटेशन थी ना वो बहुत जबरदस्त थी, बहुत जबरदस्त रोटेशन थी, रोटेशन बहुत सही काटी थी BA Esports से। BA Esports की रोटेशन से उसको जिताया है यहाँ पे। यहाँ केवल BA Esports की उसको रोटेशन ने उसको जिता दिया, नहीं आई क्या दो मिनट नहीं आई। अरे यार ये लोग तो रूम के पीछे परेशान है। गन स्किन अलाउड थी ना, हाँ गन स्किन अलाउड थी, परेशान ना हो, गन स्किन पूरी अलाउड थी, कोई दिक्कत नहीं थी। अभी डायनेमिक टू का आया कहाँ मेरा, मैं डब्बा कहाँ गया, डब्बा किधर गया बे, वो पुलिस बोलने के लिए, भाई मैं हूँ तो यार बोलने के लिए, क्या चाहिए आपको डिस्कॉर्ड बोलने के लिए भाई। हेलो BA Esports की रोटेशन से उसको जिता दिया मैच ये वाला, जो उसकी रोटेशन थी ना उसकी वजह से जीते यहाँ पे। अरे टीमें भी कम थी, अरे वो जो सोलो बंदा आया था गॉड क्या था भाई, वो क्वालिफाई कर गया। अरे वो उन लोग ने कस्टम का बुला लिया था ना भाई, हाँ हाँ चलें क्या बताओ, चलो चलो बिल्कुल चलो चलो। उनको पूछते हैं बोला है BLD वाले कौन है। हाँ निशान तुझे बुला रहा है, तू आ जा, तू निशान आ तो हम तक बुला तो रहा है, कल जिनको दो बार आया था। अरे यार नहीं यार उनके साथ मत करो, कोई नया अपोनेंट लाओ भाई। अरे चलो उन लोग ने बना लिया तो खेल के आते हैं ना, क्या ही करते हैं। हाँ अब मसे इस बार का रोड मैप नहीं समझा,
हम भी खेल सकते हैं। यस ब्रो, रजिस्टर कर सकते हो आप अभी भी ब्रो। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बट आपको मजा आएगा। तो शाम को फॉर्म भर दिया था, पैसे आप कुछ और नहीं करना होगा ना अपना एक्सचेंज? नहीं नहीं भाई, आप कुछ नहीं करना। टॉप सिक्स क्वालिफाई होंगे ना? हाँ टॉप सिक्स क्वालिफाई। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रखा है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रखा है यार। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, यस मुझे पता है डिफिकल्ट है बट इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है। ये है कि आप लोग को मैचेस ज्यादा मिलेंगे, ज्यादा चांसेस है आपके पास खेलने के लिए। बस फर्स्ट फेज में आपको बस क्वालिफाई करने के लिए एक ही मैच मिलेगा, बाकी आपको अच्छे खासे मैचेस मिलेंगे हर फेज में। ज्यादा मैचेस, ज्यादा लंबा फॉर्मेट, ज्यादा मैचेस, तो मजा आएगा टीमों के साथ खेलने में। राउंड रोबिन वाला सिस्टम नहीं समझ में आएगा वो, मेरे को लगता है वो राउंड रोबिन वाला बहुत कम ही लोगों को पता है। राउंड रोबिन वाला थोड़ा सा कम लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि वो राउंड रोबिन में होगा ये कि मैं आप लोग को समझा देता हूँ। 18 टीमें 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिए, ए बी बी सी, ऐसे ऐसे ग्रुप। ए ग्रुप की 6 टीमें, बी ग्रुप की 6 टीमें। वे हमको रिमूव कर दिया, क्या हुआ? कस्टमर डिसबैंड कर दिया इन लोगों ने? ये भाई इनकी भाई भाई तो वो गुलाब भाई, इसको खरगोश खरगोश कहाँ है? आ रहा है। रैंक गुलाब? खेलेंगे क्या? रैंक खेले? हाँ रैंक खेलेंगे। किक का है? अरे वो सब छोड़ो, रैंक वैंक का कहते हैं लेनो, किक का है किया? अरे वो कस्टम डिसबैंड कर दिया, कस्टम डिसबैंड हो गया, किक नहीं किया। तीनों को एक साथ थोड़ी किक कर ले। तो किया किक किया, बारी बारी किक किया भाई, बारी बारी किक किया, ये बाद में गया ना इससे तो। अच्छा चलो अरे होता है भाई, जब दो बार हार गए हो ना तो तीसरी बार डर लगता। चलो स्टार्ट करो भाई। रुको फिर मैं एड्रेस को चेंज करता हूँ। भाई हाँ मेरे को भी टीएक्स चेंज करना है। आओ एक ग्रुप बनाओ। प्रेडिटर ब्रो, लाइव चैट पे जो वीडियो का लिंक है ना उसको एक बार जाके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कैसे रजिस्टर करना है। अलग अलग ग्रुप में चले जाते हैं। क्या ही बोले, एक राउंड में 2 मैच करना था क्योंकि एक मैच किसी का भी खराब हो सकता है ब्रो। यही तो चीज है ना, फर्स्ट नॉकआउट पे यार 2 मैचेस नहीं दे सकते ना। टीमें देख लो आती नहीं है, अब यहाँ से वो टीमें निकल जाएंगी जो इरेस्पॉन्सिबल है। फर्स्ट मैच इसीलिए एक ही क्वालिफायर्स दिया जाता है, नॉकआउट दिया जाता है क्योंकि इरेस्पॉन्सिबल टीमें निकल जाए। इसको देखो, इसके मौज देख रहे हो निशान की? अच्छा स्टार्ट करो, इरेस्पॉन्सिबल टीमें निकल जाए ज्यादा अच्छा यार है आपको। सर निशान ना एंटोनियो लगाओ, और ना जब वो पी के ना जोनी पर, तब यही मोड लगा ले। मेरा खरगोश तेरे क्या क्या सिंपल जा पीछे करके देख इस। अबे सेकंड ग्रुप में भी टीमें अच्छी थी समझे, बट टीमें आई नहीं समझे। होगा या इसके बाद पॉइंट टेबल कब आएगा? 2 प्रोसेशन की भाई तुम्हारा। अभी तीसरा ग्रुप में लेजेंड की टीम, उसको पकड़ना पड़ेगा पहले। तो कहाँ पे वॉइस क्लियर नहीं थी? कहाँ पे वॉइस क्लियर नहीं थी? अच्छा वॉइस क्लियर नहीं थी। अच्छा तीसरे ग्रुप में मैं 1v4 खेलूंगा बस। लाइव चैट पे जो वीडियो का लिंक है ना उसको जाके एक बार देख लो, जो वीडियो लाइव चैट पे पिन है उसको जाके एक बार देख लो। प्रिंटर आप रजिस्टर कर पाओगे, उसकी डेट एक्सटेंड है, अभी भी चल रहा है रजिस्ट्रेशन। सत्यम भाई नॉकआउट में हमेशा इसीलिए एक मैच होता है क्योंकि इररिस्पॉन्सिबल टीमों को निकाल दिया जाए, सीधे सीधे इररिस्पॉन्सिबल टीमें और अच्छी टीमें केवल आ पाए। क्या फायदा होगा जो टीमें आए ना खेलने उनको रख के क्या फायदा है? सिंपल सी बात है, रजिस्टर सब कर। अब भाई इतना इतनी छूट दी है किसी को कि भाई आप लोग अपना टाइम बता दो, उस हिसाब से मैं आपको मैच सेट कर दे। अब उसके बाद नहीं आ पा रहे तो भाई तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। क्यों निंजे, हम लोग जैसा तो कोई करेगा भी नहीं क्योंकि इतना टाइम देके तुम लोग से पूछ पूछ के टाइमिंग दी जाती है। भाई टाइमिंग बता दो, उस हिसाब से मैचेस लगा दे तुम्हारे। आज कितना बजे तक स्ट्रीम चलने वाला है? बस थोड़ी देर करेंगे, ज्यादा देर नहीं करेंगे। कल वैसे भी थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है। निशान की टीम एक ही ग्रुप में है, निशान की टीम एक ही ग्रुप में, वाह मजा आएगा। नहीं दिया तुमने ब्रो, चलो ब्रो पोजीशन ठीक भाई तुम्हारा। गेम प्ले, तुम्हारा गेम प्ले कैसा लगा ब्रो? शाम तक आ जाएगा कि ग्रुप फर्स्ट और सेकंड का रिजल्ट, ग्रुप फर्स्ट और सेकंड का रिजल्ट शाम तक आ जाएगा। ठीक है, परेशान ना होइए, शाम तक दे देंगे। पॉइंट्स टेबल पड़ी हुई है, आप देख लो उसके बाद अपने पॉइंट्स कैलकुलेट कर लो, आपको समझ आ जाएगा कि आप क्वालिफाई हुए कि नहीं हुए। टॉप 6 क्वालिफाई होने पॉइंट्स टेबल के अकॉर्डिंग।
देखते हैं अभी बाद में देखते हैं क्या करना है। हे कौन है, कौन है ये हरा हरा घुमा रहा है हर जगह? ये है मैं रिप्लाई नहीं दिया। कहीं तो उतारो लेकिन ये रिमनाम लेके जाएगा, मैं पता है ये मार्स लेके जाएगा या तो यहाँ जाएगा। ये फिर रिमनाम जा रहा है अभी फर्स्ट मैच देखने में बहुत मजा आई भाई, क्या ही जबरदस्त मैच था फर्स्ट। तो प्रिंस भाई क्या ही परफॉर्मेंस थी उसकी, मजा ही आ गया दोस्तों। भाई अगर कर देता क्लच ना तो भाई लाल हो जाती है लेजेंड की, भाई लग रहा है मैंने कैसा खेला? अरे नाम तो बताओ तुमने कैसा खेला। खेला सबने अच्छा, अब बस जो पहले एलिमिनेट हुई शेड किलर्स की थोड़ी सी रोटेशंस में दिक्कत हुई हमें, वहाँ ये समझ में आया कि रोटेशंस सही से नहीं ले पा रही थी, उनके टीम में कोई लीड करने वाला नहीं। शेड किलर्स का था, शेड की सेकंड टीम का, वहाँ पे उनके रोटेशंस दिक्कत दी और उनके प्लेयर्स भी थोड़े से इनएक्सपीरियंस थे। नहीं फर्स्ट टीम में तो कार्तिक खेल रहा, चलो थोड़ा उसका एक्सपीरियंस है, बट बाकी जो सेकंड टीम में ना उसमें थोड़ा एक एक्सपीरियंस प्लेयर देना चाहिए क्या दो समझे। थोड़ा बहुत कहाँ बंदा मैं अच्छे प्रिंस हूँ। अरे प्रिंस भैया तुमने तो आग लगा दी थी यार, मैंने सुन ना यार मतलब जो देखो भाई सब टीमें अच्छा खेली बट अपनी मेन टीम मतलब दूसरी टीम को और उसमें भाई साहब मतलब उसमें कोई भी ऐसा बंदा है जिसने कभी टूर्नामेंट खेला सिवाय लेजेंड मारी जाएगी देख लेना। मतलब रैंक पुश तो करते हैं सब, पर रैंक पुश देखो रैंक पुश में जानते क्या होता है, कुछ लॉब कुछ प्लेयर अच्छे मिलते हैं कुछ नहीं मिलते हैं ठीक है, कुछ नहीं मिलते हाँ। यहाँ तुम्हें सब प्लेयर अच्छे मिलेंगे मोस्टली, अब जब तुम सेकंड फेज में पहुंचोगे ना जब सेमीफाइनल्स में तो तुम्हारे सामने आएंगी अच्छी अच्छी टीमें, तब मजा आएगा। डेरी मिल्क तुम्हारी रोटेशन तुम लोग की रोटेशन की वजह से तुम लोग बचे हो, वरना ना वहाँ अगर गैंगस्टर देखा जाए तो गैंगस्टर बहुत एडवांटेज थी, बहुत ज्यादा एडवांटेज, थोड़ा सा होल्ड कर लेती तो गैंगस्टर निकाल देती निकाल देती मैच। हाँ वो ज्यादा एग्रेसिव खेलने लगी ना, थोड़ा सा होल्ड कर लेती पक्का निकाल देती मैच, क्योंकि गैंगस्टर के पास थी फायर पावर भी थी और सब कुछ था उनके पास, क्योंकि इनिशियल स्टार्ट भी मिल गया था। बारह टीमें होती तो फिर इंटरेस्टिंग होता मैच। अरे अभी कोई दिक्कत बहुत ज्यादा होल्ड कर रहे थे वो लोग बहुत कैजुअली, सामने वाली टीम ने अगर हर टीम में तुम्हारा भूया। यहाँ पे देखो हम लोग ने ऐसा पॉइंट टेबल बनाई थी कि अब आपको मार के खेलना है, मार के नहीं खेलोगे तो सिर्फ छह टीमें क्वालिफाई होंगी क्या? नहीं नहीं 12 में से 6 क्वालिफाई होंगी, 24 में से नहीं, 6 मतलब 24 का क्या कर बा 12 में से 6 क्वालीफाई होंगे यार, 24 में थोड़ी अबे ट्रैक नहीं का किसी को बनी नहीं मिल रही है ना, स्कोप मिल रहा ना कुछ मिल रहा, बैग भी नहीं, जिंदगी झंड बनी हुई है इधर। एक के मुझे भाई साहब 7-8 करके की मिली मुझे आज, एक पड़ी
टीम नाम पता नहीं कितनी एक्टिव है। अभी डेयरी मिल्क तुम लोग को मजा आएगा जब सेमीफाइनल्स में पहुंचोगे, जब टीमें पूरी पूरी आएंगी। नॉकआउट्स में पता था ना कि इस बार टीमें नहीं, नॉकआउट्स में टीमें वो रहती ना इरेस्पॉन्सिबल रहती है। डेयरी मिल्क अहमद की टीम का है ना? हां मुझे भेजा था, वही डेयरी मिल्क का क्या? वही डेयरी मिल्क का, एक ही डेयरी मिल्क है कैडबरी वाला। कैडबरी वाला मजा तब आएगा और इंटरेस्टिंग फाइट्स होंगी। क्या तो रहा 1v4 वेस के देखो फिर बताएं। किसी टीम की वो ऐसी तैसी कर दोगे, दो या तीन प्लेयर खा जाओगे। डबल वेक्टर लेके किसी को दफा दे दूंगा, बस खत्म बात। अबे भाई दफा दे दो मैसेज ही को भाई। सुनो क्या तो रहा, देखो डबल वेक्टर दूंगा तो रोड ऑन करके खड़ा हो जाऊंगा। तीन किल्स पॉइंट के साथ हम सेवेंथ आए हैं, तीन किल पॉइंट, तीन किल करी तो 6 पॉइंट और पोजीशन पॉइंट एडजस्ट कर लो अपने हिसाब से। और आंसर नहीं दिया क्या चीज, किस चीज का आंसर? एच के हॉकनेट गेमर्स, क्या किस चीज का क्वेश्चन पूछ रहे थे? हेलो तो ले लेते हैं स्नाइपर कौन चलाया? मैं और कौन? अबे इधर है क्या कहते हैं वो पढ़ M1 फोर विद चार्ज। अबे इधर है, भाग ले भाग ले। अरे कितना घटिया ऑन बनाया है इन्होंने। अबे तुम यार उसका, हां प्लीज सुनो, टुक टुक डिनर है, टुक टुक का सुनो यार। हां उसका गाना बजता है अबे जिंदगी मुझे सीधे तीन का बैग मिल गया था। मेरे पास यार एक सेट भी नहीं है। अबे यार मैंने उधर बहुत ड्रॉप की थी अभी भाई उधर। अरे यार तो मिल रही है, बैग में जगह ही नहीं है ना, बात तो ये है। अच्छा चलो मैं तो चलाऊंगा डबल एक स्नाइपर भाई, पॉइंट्स टेबल पड़ी हुई है जाके देख लो। हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो बता देंगे, शाम को बैठेंगे। पीआरटी लेजेंड ब्रो ये बताओ हमारी टीम सर भाई बताया तो यार, आप लोग पॉइंट्स टेबल पड़ी जाके देख लो। क्वालिफाई हो पाई क्या उनका? 6 आया और 1 किल पट। ब्रो देखो गाड़ी वाला आया, अरे जो सोलो बंदा था वो क्वालिफाई कर गया भाई, जो जो 7th और 8th आया भैया तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, तुम जाओ फोगो देखो। अबे पूरी स्क्वाड है इधर अबे भाई। हां तो चूतिया मैंने क्या बोला था देखो, एंकर से होते हुए लॉर्ड्स ही कौन है इधर? ऊपर आईडी सब सभी ऊपर है। रुक जाओ रुक जाओ, अरे इधर ही रहो, आईडी को पीछे बुलाओ, तुम आगे मत जाओ, आईडी को पीछे बुलाओ, आईडी आ जा। अबे यार पूरी स्क्वाड ही भाई साहब गाड़ी लेके चल रही है, वो डाउन कर दिया तेरे वाले को, बस मॉन्स्टर ट्रक से दो हेडी बचे रहना बस 2 मिनट। अबे मार दिए हेडी ने इस लैंड माइन पर, मर गए। नहीं नहीं एक मत है, मैंने नहीं डाउन करके मैंने लैंड माइन लगाई थी।
कितने की लैंडी दो बच्चा है दिख नहीं रहा स्पॉट में मेरा मेरा हो गया काली अरे काली को बोल दो काली को एक शॉट एलिमिनेट एलिमिनेट ब्रो पहले स्क्रीनशॉट तो भेजो पहले स्क्रीनशॉट तो भेजो पहले पूरी वीडियो देखा करो यार वीडियो पूरी देखा करो मेरा बात तो निकाल तो लग नहीं मैं अच्छी अपने से मुझे अगला मैच में खेलोगे अगले ए ए डब्ल्यू एम पड़े नहीं जा क्या ए बब्लू एम मेरे पे ए बब्लू एम और एम बी टू भी थी यार जैसे ऊपर कूदा वैसा पीछे से बंदे ने कहा 98 का पत्ता दे दिया अब क्या कोई बात ए चल दोन चल रहा है बुरा लगता है भाई बहुत बुरा ऐसे बनो का टूर्नामेंट प्लेयर अबे मैं ऐसे खेल रहा ना 10% बैटरी क्या ही करें बैटरी कभी रहती है तेरे में ये बता मेरे को अभी क्या ही कर ए सामने बंदे 10% के ऊपर सुने नहीं है तुम्हारे बस सुबह सुबह बैटरी फुल रहती है और शाम को आते आते बैटरी कम हो जाती है ऊपर बंदे हैं ठीक है जा क्या कर रहा है एडी मार एडी मार इसके पास कितनी है भाई वॉल तो देख भाई पेट भर जाएगा तुम्हारा वॉल अमरूदा चलाती डबल रेट ऑफ फायर वाली साइड में मैंने देखी भाई साहब मतलब ये क्या है भाई बे बंदे 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 बड़ा मस्त है ये लॉन्ग रेंज एमए टू बी एडी हम लोग जा रहे हैं जा 2 मिनट होल्ड कर 2 सेकंड होल्ड कर ले 2 सेकंड होल्ड कर ले बस लोग पहुंच गए मैं भाई साहब क्या ही वॉल लगाई एडी ने पैक कर एडी के 5-5 किल अबे टूर्नामेंट प्लेयर है बे कौन भेज ये है देख लो तो अब रुक जाओ स्ट्रीम कर रहे हैं यार मॉड्स और एडमिन भी यहाँ पे खेल ही रहे हैं थोड़ी देर एंजॉय करने के लिए एडमिन ने खाली पकड़ बैठा डीसी पे उसको बोलो काम करने को बोलता हूँ अबे 10 बॉल है मेरे पास दस बॉल है एक दो दे दो अबे मैं समझो पांच बॉल तो मैं छोड़ गया है पीछे समझे अरे वो जोन आ रहा था ना इसलिए मैंने भी ठीक से लूटा नहीं फिर वो M2B वाले बंदे को भी मारना था तो किली नहीं मिली ध्यान अगर वो ग्लू वॉल ऊपर नहीं लगी होती ना तो मैं मर जाता अबे मेरी अभी ना आज पता नहीं सुबह सुबह T8 वाली उस मार तक बंदे के मुंह पे लगा दी बंदे में गाड़ी थे अपनी में आके अपने आप को पैक कर दिया था ऊपर आ देखते हैं कोई है कि नहीं 11 लोग बचे हैं जिसमें से 3 अपन 2 स्क्वाड है पकड़ के मार तो कहीं कहाँ सुनो कुछ बोलेगा नीचे से पड़ी अबे भाई रुका कर यहाँ पे ढलान तो रुकता ही नहीं है फैंसी पे फैंसिंग पे फैंसिंग एडी ने डाउन किया मैं आगे थोड़ा जा रहा ठीक है नहीं नहीं आगे नहीं जाना मेरा पीछे बंदे मार ऊपर मार मार मैं कहता घुस पड़ो साइड से इसका भी ध्यान नहीं है आई बम फेंको बम बारी उत्तर इतना ग्रेनेड फेंकने में हमसे अच्छे नहीं हो सकता फिर कौन मार एडी देख उसको इधर फिनिश हो गया ना इसकी पेटी बन गई आईडी ने बना दी आईडी
आईडी एक दिल्ली पे किल ले यार, उसके 6-7 किल कल से। अबे जो भी कर रहा है कर रहा है, हट बे बे, 9-9 8-8 का डैमेज यार, हट बे। चार की बेस्ट हो गई थी आज से, एपी 40 का क्विक रहा थी। भाई क्या ही चुराया है यार, क्या ही चुराया भाई। चार बंदे बचे नीचे, देखो आओ मेरे साथ आओ नीचे आओ, वो हो रहा है कुछ भी, ये कैसे से पड़ी नीचे से, बोल रहा हूँ नीचे से। अंधा मारा क्या कुछ भी अंधा हूँ, अबे ऊपर भी बंदे ऊपर कहाँ फोन आ गया, अबे क्या ही भाई ऊपर वाले को मारो, ऊपर वाला गया अबे यार बारिश को तक मैंने भाई साहब, मतलब पता नहीं कैसी बोलती है, मतलब जब हम उसकी ट्राई करें तब बोलती है आई लुक कल से एसएसटी का पी बोल, कोई बात नहीं मुझे सोचो हम धोखेबाज कैसे होती, क्या ये मार रहा है भाई ब्लॉक को। प्लस देखें कितनी होगी, 20 प्लस 3600 पहुंच गए। 11 किल ये भी ना भाई बुरा लगता है भाई, 1100 डैमेज दिया, 1100 छोड़ो तुमको एक किल तो भी मिला, हम तो मतलब 500 में क्या कर रहे हैं क्या ही बताए भाई। ओ ड्रॉप आती वो भी 95 में 100 डैमेज था, ड्रॉप छोड़ो साहब नहीं है अब स्टार्ट खाने के लिए स्टार्ट। मजा आया मैच अच्छा था, अभी नहीं ये आईडी सही मजे करने के लिए मैं आया अब बाकी के मैचेस कब होने वाला है, कल कल ये मेरा लास्ट है अबे धीरे आ रही है, अबे एक हफ्ते की छुट्टी है बहुत मजा आया बहुत मारा, एडी ने सब मार लिए किल नहीं मिला भाई डैमेज दे, एडी पता चला किल किल उठा चुका है तब तक, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तुम एडी को ये इमोट दिखा, अबे इमोट खुल रहा। हेलो भाई क्या हाल चाल, नूब की उम्र एडी को तुम ये इमोट दिखाना चाहते हो मुझे लगता है, ये वाला दिखाएंगे साथ में था 1 2 3 फिर आईडी 3 2 रुको आप बोलो 1 2 3 बोलो आप, 1 हो गया 1 कीबोर्ड है, चलो तैयारी करो सत्यम भाई कल एसएसटी का पी लूक के बस सॉरी तैयारी, तुम लोग इमोट दिखाओ नहीं नहीं करी ना सोचे कि लॉबी में मत मत होती करना स्टार्ट करो, अबे लॉबी हमें लगता है थोड़ी कम अच्छी आने लगी है, सबसे पॉइंट ज्यादा हो गए इतने, बिल्कुल तुम्हारे तुम्हारे कितने पॉइंट्स है, मेरे भी 1500 पार है, मतलब सॉरी 3500 पार, 3500 पार है मैं 3600 मारे हो गए, निंजा के भी 3600 के आसपास ही है, 3800 मेरे इस साइड इस साइड में तो 4200 इसे खाली डायमंड 3 पर 3800 बोल रहा है, अबे 800 2800 गधा आदमी, ड्रीम गर्ल आई है मारेंगे शिपयार्ड पे चलो
निंजा ले जा रहा निंजा के पास है। मान गया अब तो निंजा को दे देता हूँ बाद में। निंजा बोलता नहीं है वो बोलता नहीं है। निंजा पहले नहीं बोलता ना सही है। बच गए तो ठीक है वरना आईडी का कॉल था। अब आईडी का नहीं हम चारों प्लेयर जिंदा निकाल के नहीं नहीं बच्चे कोई आया नहीं। अबे एक स्क्वाड आई है कोई आया नहीं। हाँ कोई स्क्वाड आई है अभी तो कोई पीछे देखो या तुम वो नहीं जान निंजा वो ही साइड पे ये मेरे सामने एक गैराज में। अरे हाँ 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 कर मैं पेलने जा रहा हूँ। हाँ अकेले पेलने जा रहे हैं। अबे मेरे सामने मैं क्या ही करूँ फाइट लेने के अलावा तो जा रहे नहीं हैं रेड पे लॉन्चिंग करनी है अभी। और मेरे लगा ये आप बाउंड ऊपर तो इसको अंदर कर अपनी लोग एक इधर था। अबे एक इधर ही खड़ा था यार कहाँ गया। नहीं जा नहीं जा नहीं जा नहीं जा अभी बंद नहीं भाई देख रहे हो क्या चल रहा था भाई कौन पहले चुराएगा। अबे यार थैंक्स नेवर प्रभात वेलकम टू यू। ये ओएस आयुष को क्या हुआ आपका ओएस आयुष कौन आयुष कौन ओएस आयुष लड़ाई का जमाना नहीं। भाई लड़ रहे थे सब कि पहले कौन चुराएगा किल। अबे मेरा किल यार गलत मेरे सामने आ गया भाई वो गोल। अब रहन बहुत किल हो रहा है। अब रहन तो बरसने वाला नहीं रेडी कर वो छोड़ो अगर रिपेयर कर दे ना मुझे देना मेरी वेस्ट बहुत मतलब खंड वाली डैमेज है और नहीं किया नो एचपी पर आते डैमेज तो काट उठाएगा तो नहीं होगा। हां ये वीएसएस कौन चलाया मैं और कौन एकेडमी में सिंगल एक्यूरेसी वाली भी है कौन सही मतलब शॉटगन की अमाउंट मिले जा रही है मेरे पे लेवल 3 की वेस्ट दो को दो मीटर की एक्स्ट्रा एमओ कहीं पर है तो फेक अटैक वो कर दो इधर ही आ जाओ उसमें शैग में पड़ी है। अरे ये जो पीली वाली ये है ना सीधी इसके पास वाली शेड पे जहां पे मैं हूं यार ये भी लेटर वो एफएससी से बैन हुआ है भाई यार ऐसे कुछ क्या बता सकते हैं यार आयुष का वो यार सही है या नहीं है ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता ना यार हम लोग क्या हाल है कौन। अरे यार वो हैक वाला ओल्ड स्कूल वाला यस वो ऐसे मुख कैसे बता अबे गाना बजाते थे उसका कुछ कहा नहीं जा सकता ऐसे यार क्योंकि इसने भाई हम लोगों को खुद नहीं आइडिया है उसका पॉइंट ऑफ व्यू तो देखा नहीं है। भाई बंद कर दे क्या ही घटिया है स्क्रीन पे कॉपीराइट भी तो आते हैं नहीं कॉपीराइट तो नहीं आएगा इससे फिलहाल तो मुझे पता प्लेइंग नहीं जाती मैं कस्टम बनाती। अच्छा भाई गेम में ऐड करो। अच्छा इसके बाद जाट लोग कस्टम बनाती ओके जाट भैया 4v4 करते तुम तो फिर पढ़ने जाती। हां हमारा भी यही काम जाट से फ्यूचर बर्बाद हो जाती कोई दे रहा नाम करती क्या खाती गाली लात हुंसा सब। अबे वो छोड़ो यार किसी पे वो है यार क्या करते हैं ये टोकन है है पहले सर तो पूछता है अरे भाई वो है मैं बोला हाँ 6 इंच का चाहिए वहाँ पे बंदे स्क्रीन पे रिपोर्ट हालांकि कुछ फर्क पड़ता नहीं है हाँ कुछ इतना जब मास रिपोर्ट होती तब फर्क पड़ता है। अरे दो रिपोर्ट थी काली
कि हम अरे डबल रीलोड स्पीड वाली ना एम10 बहुत सही है, मतलब ऐसा लग रहा है कट्टा रीलोड कर रहा हूं। अरे आज वेपन रॉयल में क्या आने वाला है पता नहीं यार, इसकी नहीं आएगी ये थॉमसन आ रही है और ये डब्ल्यू एम आ रही है, थॉमसन और ओम ए डब्ल्यू एम डबल एबिलिटीज है, डबल रेटस का है, सिंगल आर्मर पेनिट्रेशन क्या ए बिल्कुल तुम स्नाइपर कैमो दो, मैं तुमको शॉटगन कैमो दूंगा क्योंकि मेरे पे खुद से होता है वो मेरी चोरी, लेकिन शॉटगन कैमो मिल जाएगी स्नाइपर की मुश्किल है। ये लोग तो कह रहे थे कि अपडेट में M2B का ड्रॉप रेट कम हो जाएगा, तो सारे फिर बढ़ा दी, खरीद लो अब तो तुम खरीद के मारो भारी दो इन लड़कों को खरीद के मारो। एमपी चाहिए एमपी, हेलो उस पे एमपी पड़ी है ऐड करना। प्रभात भाई अभी तो खेल रहे हैं यार, अभी तो स्पॉटिफाई के लव फ्रेंड्स फुल है, टीम कोड गेम प्ले होता है मंडे टू सैटरडे तो आप खेल सकोगे। मैं खुद अभी भाई के फ्रेंड लिस्ट में मिल गया ये प्ले आईडी में, तो भाई कैंपर लॉबी, कैंपर लॉबी पक्की। अबे 31 बंदे लाए तो क्या कैंपर लॉबी बंदे वुडन हाउस मैं सकती का वुडन हाउस ऊपर वाला नॉक वॉल करो। हेलो रीता मर गई यार, ऐसे थोड़ी होता है, हमारे पास M249 होती वो भी डबल रेट ऑफ फायर वाली। सही है, रुको मैं यूएवी भेजू क्या पागे बंदे के नहीं पता लगा। होंगे होंगे पक्का होंगे, कौन हुआ था मुझे ग्लू वॉल देगा, ग्लू वॉल चाहिए कितनी बोलो तो दो। चलो फिर दस दो अगर तुम इतने कह रहे हो तो, ये है मेरे पास तो चार के बेस्ट, चार के बेस्ट किसके है इधर एक किसकी है वो हम पहनेंगे मेरी है फोरेक्स फोरेक्स। अबे इसको फिनिश करो, एक रिवाइव दे दो। अबे व्हाट्सएप कहां से मार रहा है पीली एमपी 40 एडी पीली, और पीला कर दो इसको मैक्स 7 के सामने भाई इमोट दिखाओ, मैक्स 7 के सामने सब खेल गंदी गन है भाई, बहुत ही गंदी, बहुत गंदा फ्रेट ऑफ है, इसको बैन कर दो फ्री फायर, क्यों बैन किया जाए भाई इतनी गंदी गन है यार, गेम को इंबैलेंस करेगी जैसे इन्होंने कट्टे का कर दिया यार। कहां इंबैलेंस कर रही है एमएच 2 में जैसा तो नहीं कर रही है हां करते मुझे कुछ करके नहीं पड़ता मैं ऐसे। अरे यहां वॉल पड़ी उठा लो आके, ये बब्लू एमबी है शॉटगन के, अब शॉटगन के शॉटगन भी पड़ी उठा लो नेक्स्ट एमओ भी है, साइलेंसर भी है सर, सर भी है हमारे पास अभी एमओ। अबे यार मुझे लगता है अब चलो सुखा के खेलना पड़ेगा जिंदगी झंड, क्या 10% के ऊपर चढ़ा के नहीं नहीं चढ़ेगा वो, हो गया 10% के ऊपर वाली फैसिलिटी भी है ये उसकी बैटरी लाइफ की रेड मार रहा है मुझे 400 लगा के। सुनो ये खेलते हैं पूरे फुल ग्राफिक्स करके, नहीं नहीं काहे को बैटरी नहीं जाएगी,
सही है, तो फुल पे खेल सकते हैं हम तो, है स्टैंडर्ड रखते हैं मोस्टली अरे तो फिर दुख थोड़ी बताना चाहता हूँ तो अबे इधर से जा रहे फैक्ट्री वाला टावर लौंडे बैठे हूँ तो का बताओ देखो क्या बंदे है बंदे बंदे फैक्ट्री वाले टावर के आसपास टावर तो मैं लोकेशन देख लो बंदों की अबे गधे ऊपर ही बंदे दिख रहे हैं तो काहे को फायर किया रे अबे नहीं दिख रहे यार आसपास उधर ही है यूएवी अपने सामने वालों को दिखता है क्या सामने वालों को नहीं दिखता दिखता है जो अपने को हरा हरा दिख रहा है ना वो उनको लाल लाल दिखता है अरे निकलो भाई लड़को इधर से कहीं ना कहीं ना हाँ यार इधर से गया ये देखो ये हवेली पे देखो बॉल लगी वो बोल रहा बता देता हूँ का किल मिल जाए वाह बंदा अबे बंदे हैं एक बहुत लो है निशान मार उसको दूसरे को भी डैमेज है पूरे का एक पीछे से आ रहा है तुम लोग के एडियो ऑफ ब्लड तुम लोग के पीछे पीछे साइड हो जा मिल गए ओए बंदे जाता है सो है यहां पे एक कोई एक कोई अबे मेरे लग गए बचा लो भाई साहब बचा लो बचा लो एक मिनट रुको क्या बे भाई उधर फाइट में थे मुझे बचाने के लिए कोई नहीं आता ये गलत बात है अरे तुम लगता है। तुम अकेले फाइट ले रहे थे ना हम लोग उधर अकेले कोई फाइट नहीं ले रहा था एडी डाउन हुआ मैं एडी को बचाने गया ठीक है एडी को बचाने गया अबे यार कोई फाइट नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं अबे यार मुझे बचाने के लिए कभी अबे तो तेरे को किसने बोला बाहर जाके फाइट लेने को तो फाइट मैंने ली का पता नहीं कहां से कूद गया मैंने तेरे को अरे ठीक है ठीक है ठीक है मर गए खत्म करो बात एक ही बार मर गया ला ला हो गया भाई ला ला हो गया खत्म जी भाई यार निंजा है और तुम तीनों भी बोलते हो कभी कभी जब मैंने मर जाते हो यार अरे ठीक है यार हो जाता है थोड़ी बार थोड़ी देर होते हैं फिर उसके बाद शांत हो जाते हैं भाई लोग भी हाँ तुमको ये थोड़ी कोई कुछ कह रहा है कि तुम गलत कह रहे हो सही कह रहे हो कोई बात नहीं ना हो गया तो फेज टू कब है अब फेज वन के खत्म फेज वन खत्म होने दो फिर फेज टू बताएं कब से पीछे मेरी बंटी है पीछे पीछे मैप पे दिख रहे होगा ये हमको नहीं दिख रही हमको हमको थोड़े पीछे पीछे कुछ तो मिलेगा ना उसकी लूट छेड़ी पे नहीं है बॉल वगैरह कुछ तो मिलेगी बॉल तो का अच्छा ये तो रेंजर यार हां निंजा अकेले हो तुम हम लोग निकल आए बोल दो तो भी वरना भी चिल्लाओगे हां जोन निकल आए भाई ये स्प्रे हटा दे भाई जल्दी कभी कभी जल्दी इंस्टेंटली बीच फाइट में नेड करना होता ना ऑटोमेटिक इक्विप हो जाता है फिर उसमें ढूंढते ढूंढते ग्रेनेड टाइम निकल जाता है आया बंदा आया यार ये डबल रेट ऑफ फायर है ये क्या है चीज है भाई साहब M24 में गन है हमारे पास क्या ही सही है लहर चलती है बिल्कुल चलाता नहीं है कोई नहीं चलाता इसको बिना किसी के बीआर ही अच्छी है कब तक आया शाम तो आ जाए शाम तो मेरे पास है नहीं है मेरे पास है डाल दो कभी कहाँ ना हाँ डालो 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 ठीक है कहाँ पे बंदे सुपरमैन मर गया अभी ये मैच भूया करवाओ यार नहीं तो ये साइड ही केडी माइनस होगी वाला सुकेटी पड़
अभी साइड की यार बंदे ने केडी बहुत डाउन की क्या मतलब 0.98 की रख ली थी मैंने 1.98 तक किया अभी मैंने साइड पे 0.97 से लेकर 3 की कड़ी खेल दिया ऑल तक अब अपने पास समझे ये जगह अच्छी है रे अबे किसने मारा घर पे ऊपर ऊपर था जो मैं पहुंचता वो होता ही है ए क्रोनो अमर नहीं हो जाओ क्रोनो लगा के तो 2 सेकंड का वक्त मिलेगा तुमको 9 सेकंड का और छू देख लो बस एक बार फिर आगे चलते हैं कर इधर से करके आता हूं नहीं इधर से ही देख लो कोई कोई आ जाए कोई है कि नहीं आई थिंक कोई नहीं है पीछे से वहीं पे बंदा है भाई ने पता ग्लू वॉल थी भाई था ग्लू वॉल थी लेकिन एफएक्स टूबी वालों ने फेल दिया एफएक्स टूबी भाई बहुत बेकार गन है यार ये ग्लू वॉल क्यों रखी है तो एफएक्स टूबी रखने तो ग्लू वॉल क्यों रखते हो तुम मत रखो निंजा अकेले हो ठीक है कवर नहीं दे पा रहे नहीं तो तुम अबे लेफ्ट से जाना लेफ्ट से लेफ्ट से जाना अबे सामने देखो मैं मेरे को पीक लिए बैठा हूं अबे भाई साहब मतलब तीन तीन बंदे अरे मेरा वाला तो कोई लूट नहीं पाएगा निंजा मरोगे M2 भी हाँ कंट्रोल अटक गया निंजा लग गए और आप यही वाले को मैंने डाउन किया था ग्रीन अपनी 40 है ना हाँ यही डाउन हुआ था घर लग गया अभी बैटर वहाँ लिया वॉल फोड़े मैंने लैपटॉप बाय कर लिया ओपी काम किया हम कह रहे थे वहाँ वाले हाउस में चल लो कस्टम खेल लेते फिर हम भी 17 ये लो लाइक ले लो सब लोग ओपी काम किया भाई जीके आर्मी गेमिंग लैपटॉप बाय कर लिया कब तो मिठाई बांटोगे तुम क्यों बोलने जाट भैया कहाँ है ओ क्या जाट जाट है क्या उनमें आज अपन जाट है जाट को बोलो बनाओ गंबो के बताओ हाँ मैसेज कर रहा कर दिया मैंने कर दिया आंसर आंसर दियो 10 GB ग्राफिक्स कार्ड अबे 10 GB ग्राफिक्स कार्ड का लैपटॉप कौन सा लैपटॉप आने लगा अभी कौन सा लैपटॉप आ गया 10 GB 1 GB को आगे 0 लग गया भी 2 GB ग्राफिक्स कार्ड मोस्टली आता है 50-60 के अंदर अब आ रहे हैं एक मिनट अपने लैंग्वेज अपन हिंदी रखेंगे भाई इंग्लिश थोड़ी रखेंगे हिंदी है अपनी हाँ ये ठीक है करनी है डिस्कॉर्ड पे बात कर लो जीके आर्मी के में डिस्कॉर्ड पे शाम को आएंगे हम लोग तो बात कर लेना ठीक है चैट का नंबर है क्या किसी के पास चैट सो गया रे बाबा नहीं हमको मैसेज किया बनाने को एक 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 सीएस खेल खेल के आने के लिए बोल रहे हो हां एक सीएस खेल के आओ ठीक है ठीक है कैसे हो भाई बहुत बढ़िया दिन भाई एक सीएस लगा
भाई थोड़े ही बेकार लग रहे हो जॉन टीम, तो बताओ यार तुमको डबल किल करके दिखा, मेरी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए जा। अबे उससे खेला नहीं जा रहा। रुको भाई मैं मार के आता हूँ। चलो एडिट को खेले के जाने, चलो चलो हम यूएसपी से मारेंगे। वन टैप के कीड़े ऐसा होते नहीं है, बस खाली वन टैप मारते हैं। टूर्नामेंट में भले पे ले जाए दौड़ा दौड़ा के। अबे यहाँ दवा भी वही तो बात है, गाल फटे तो फटे। अबे जी ठीक थी, मार ही देगा। अबे मेरा किले कुछ कर दे, एडी उधर ही पड़ा है। फर्स्ट ब्लड मस्ट हैव। खुद खुद ना कुछ करो हैं, नंबर दो यार, नंबर नहीं दे सकता जी के आदमी, नंबर नंबर किसी को नहीं दे सकता। भाई भाई हो गया, मोट मार रहा है ये निंजा कैरा। अब तीन तीन बंदे मार रहे हैं निंजा कैरा, तुम लोग मर जाओ, अब भी आके मर रहे हैं यार। चार तो उतारना पड़ेगा, अभी नाचेगा, अभी नाचेगा, अभी मरेगा, अभी अगले राउंड में अभी मार खाएगा। अरे निंजा पीरो मानुस, दो हेड मार दिए हमने। यूएसपी से जानते हो, एक बार भी यूएसपी से खेल रहे थे ऑफलाइन पे, थे मेरे साथ नहीं थे, यूएसपी से ट्रिपल किल मारा था साला, इतने नूब बंदे थे, यूएसपी से ट्रिपल किल खा गए हमसे। अरे ये सीएसपी इधर से आया वंटा तो मार दिया लेकिन मर गया। अबे भाई सीधे खड़ा रहे, एक वंटा मारा मैंने। वाह फिर वन टैप पड़ा मेरे को पीछे से। अबे ये भाई ये ऑगी मन बहुत मार गया अबे, वन टैप खेल गया है तो हमारे साथ। निंजा आजा, बहुत देर हो गई लड़ाई करने का, वक्त हो गया। अबे मैं इसका सेफ्टी फोन किया ना, मैं लोग नहीं जीत पाए सकता। उनको स्कार चलाएंगे, लॉन्ग मारेंगे। निंजे पे डबल वेक्टर है, वो जीत के आ जाए। निंजा खैरा मैं बाहर में आया, दुनियादारी बाहर में गई इज्जत, अभी तो पेलना है सबसे पहले। अबे यार एक तो व्हाट्सएप ज्यादा मत कर ना, कहां का नवाब है इसको व्हाट्सएप पे चला जाता है। अब मैं दोस्तों का ग्रुप है भाई, सब चैटिंग करते हैं। हाँ हमारा तो दोस्त है। अब भाई पहले ग्रुप में जाओ और सबसे पहला काम होता है म्यूट करना नोटिफिकेशन, सबसे पहला काम। ये झेल पाते भाई उसको। और ये मैं नहीं होती येरा बीच में आया ये घर में के पास। मेरा पिंग हाई जा रहा है। किसने एमपी किसने फेस टू के लिए रिस्टार्ट कर सकते हैं क्या इसी तरीके से? और कब है फेस टू भाई? जैसे ही फेस वन खत्म होगा उसके एक दिन बाद से फेस टू चालू हो जाएगा, और रजिस्टर कर सकते हो इसी तरीके से जैसा तरीका वीडियो में दिया गया है। बाहर हो गए वो टीम नहीं आएगी तो? नहीं नहीं फर्स्ट फेज में जो इस स्टेज में बाहर होगी नॉकआउट्स में वो आ सकती है। अच्छा मतलब आपके पास सेकंड चांस है खेलने का, बोलो रजिस्टर कर सकते हो शुभम भाई। एक नीचू से आया, नीचू से हम नीचू वाले को देखते
एक नॉक एक एक एचपी का है। अरे हेलो ये निंजे गलत बात डबल वेक्टर लेके गलत बात कब खत्म होगा फिर वन शायद खत्म होगा 22 तारीख तक खत्म हो जाएगा फिर वन 22 या 22 को पहले से पहले खत्म हो जाएगा 7-8 दिन चलेगा क्योंकि एक दिन हम दो ही मैचेस करवा सकते हैं ना और फाइनल हम शायद एक दिन में करवा देंगे फेज वन के। तो 21 या 22 तारीख हो जाएगी तो मान लो 24 या 23 से आपके मैचेस चालू हो जाएगी। हाँ ऊपर है क्या अरे हेड लगा यार एक गोली का बच्चा वहाँ पे ऊपर है यार नीचे कहाँ पे मार रहा हूँ अबे भाई डबल लगते हैं उसके पास अब नहीं लगेंगे अब उसके लग गए और रिवाइव दे रहा है भाई दोनों मार दिए मार ही रहे थे तो उनसे चार अलग उनसे सब्सक्राइब कर भेजूं तो नहीं भाई नहीं चलेगा आपको चार अपने बंदों को करना पड़ेगा। बंदे क्या इतने भी बात नहीं मानते तुम्हारा कि सब्सक्राइब नहीं कर सकते कैसे बंदे पाल रखे सॉरी कैसे बंदे तुम्हारे यार स्क्वाडमेट्स बोलेंगे भाई वो बंदे मतलब बंदा बोले रहे भाई जब तुमको पाले इधर से आ डबल एक्टिव उठाई इसने कहीं आईडी का लैग क्या कि मेरा लैग क्या तुम्हारा ना आईडी का लैग क्या होता है इंटरनेट क्या मेरे कहने का मतलब एक को एड्रेस पता है अबे गेम नहीं हो रहा सब नीचे का खोपड़ा खोल एडी थप्पा दियो एक नॉक अबे कौन नहीं बच्चा ये भी जॉन्टी नॉक एडी लास्ट वाला मैंने मारा ही नहीं किल चोर हो क्या वाह जिसने मारा खंड किल चोर है लास्ट वाला किधर भाग गया मैं बताऊं ऊपर देखो इधर मजाक मत उड़ा नहीं उड़ा रहा भाई एक सीरियस बात कह रहा हूँ यार भाई वो मुंह से निकल गई इधर उधर निकल जाता हूँ कभी कभी भैया मेरे मुंह से निकल गया मुझे है माफ वो है तो मरी जाऊं अबे कहाँ भाग गया लीचर मनुष्य नहीं है इधर भाई वो कितना खौफ में था लौंडा रेडमी सर जी बोल रेडमी नोट 8 है भाई ऐसे कौन सा बंदा है जिनके 2000 के रेंट तक है इंटर ट्रैप करो अपने आईडी के देखो डैमेज अरे भाई
अबे फिर तो मेरे किल तो देखो मेरे किल में डैमेज भी है। बैन गेमिंग भाई जब टीम कोड देते हैं आप तब रहा करो प्रोसेस स्ट्रीम पे भाई। मंडे टू हम लोग सैटरडे टीम कोड खेलते हैं शाम को जब मैचेस खत्म हो जाते हैं कस्टम वाले। ये तो लौंडे इधर से आए मर जाओ। अबे डबल वेक्टर उतनी देर से नहीं लिया बेटे। अबे भाई ये तो करा नहीं मनुष्य निकला भाई मैं तो इसको मारने की सोच रहा था। फोन रियल नहीं भाई नहीं यार रेडमी नोट 8 हेडिंग क्या डबल ए डबल उठा लिया मस्ती में। एक तो गया एक पीछे आएगा ये था वो एलिमिनेट हो जाएगा लास्ट वाला। ओके ब्रो हमारे सारे बंदे डिस्कॉर्ड पे नहीं है तो मैं क्या करूं जो और अलग बंदे ज्वाइन कर ले तो चलेगा भाई। देखो चार बंदे आपके डिस्कॉर्ड पे आपको अपने चार बंदों को बुलाना पड़ेगा ढूंढ के लाना पड़ेगा कुछ तो करना पड़ेगा भाई सबको प्रोसीजर फॉलो करना ही पड़ता है। जाट भैया काम है रूम में बैठे हैं भाई मेरी फ्रेंड लिस्ट फुल है यार मैं कैसे भेजूं। टीम कोड से इसीलिए खेलता हूँ यार इसीलिए टीम कोड से खेलता हूँ मैं कि वे शिया कौन है बे चले चले तुम तारों के शहर में तुम्हें तारों के शहर में ब्रो फोन कैसे कनेक्ट किया लैपटॉप से। ब्रो एक तरीका है हाउ टू मिरर विद ए पावर मिरर यूजिंग यूएसबी ऑन कंप्यूटर गुल्लू गुल्लू वॉल एक गुल्लू गुल्लू वॉल तो हम क्या करेंगे तुम बताओ। जब आपने 10 GB का लैपटॉप का रैम मतलब ग्राफिक्स कार्ड का लैपटॉप लिया तो आपको फोन कनेक्ट करने की जरूरत ही नहीं आप पीसी पे भी खेल सकते हो पीसी से स्ट्रीम डायरेक्ट कर सकते हो पीसी पे खेल भी सकते हो इतना कैपेबल होता है। चलता तो मेरे में बस पेन स्ट्रीम का दिक्कत होगा ना इस वजह से। हाँ घुस जा तुम घुस जा दौड़ा के मारेंगे तो दिया। अरे एक हेड पड़ा है जिसको भी था इसको 170 का हेड पड़ा है। अबे ब्रो बताया तो यार बता तो रहा हूँ आपको सोल्यूशन यार करना वही पड़ेगा आपको यार प्रोसेस सेम रहेगा। वॉल चाहिए किसी को ये लो हेलमेट छोड़ा मैन ले लिया मुझे ये लो वॉल किसको चाहिए ये लो। ओए हेलमेट दे ओए अबे दिया तो था निशान ले गया निशान को बोल रहा हम भिखारी खोपड़ी खुले के लिए इंसान पैसे वाला गरीब आईफोन लेके एक हेलमेट नहीं खरीद पा रहे बताओ। हां पैसे वाला गरीब भाई उससे आए सब अबे सभी तभी मानो इधर
अभी भाई मत घुसो, पीछे आ जाओ, अभी को हम दोनों ही आ जाए। अभी आओ, वो सब ही आ गए। अरे बचा जाट, बचा भाई पागल। कवर प्रोटेक्शन लगा ले। अबे मैक्सन कौन था के लाया तुमने? रुचड़ा रुचड़ा, हम पीछे जा, हम पीछे जा। अबे किल चोरी। ये कौन था बे इतना गंदा किल? तो मैक्सन की तीन तीन गोले खोपने पे गया खाली भसम बंदे ने किल चुरा ले। कौन था? निंजा। निंजा अब उधर से आएंगे वो लोग, उधर से नहीं आएंगे, उधर से आएंगे ना। कहीं से जा आ गए, आ गए, आ गए। बे ये कौन है इधर? अबे क्या करो मैं डाउन हो रहा, उसके अंदर है लास्ट वाला। अरे बोलो हिलाते हो, आके क्लिक कर दो भाई। कोई डेटा यूज किया हो कॉन्टेक्ट करने में? हाँ डेटा केबल यूज होती है भाई। डेटा केबल यूज होती है तो मैच सेवन नहीं उठाएगा। और भी क्या ही बोले, पूछ कौन रहा है इंसान पूछे भाई। सैमफेल कब से आवेश भाई? डेट बताई तो थी यार हम लोगों, देखो बड़ी अपडेट कर दी थी मैंने डेट। तो क्या ही पूछ रहे हो भाई, नहीं यार ये सब काम हम नहीं करते। ए इधर से आ रहे, इधर ही से आ रहे, मेरे पास ही सब, मेरे पास है वे सब लोग, सब मेरे पास है। जाट भी है, जयराज भी है, जयदेव भी है, जाट आ रहा। मेरे पे गेम कर के बैठा है। अबे दो लोग चढ़ गए, कोई आ ही नहीं रहा। निंजा बॉट बन, निंजा बॉट बन गया। लव फ्रॉम लखनऊ से, मैं बोला था स्कूल है कुछ करो लेकिन किया ही नहीं भाई। अब कितना टाइम एडजस्ट कर दे यार बताओ, हम कहाँ से एडजस्ट कर दे यार, कहाँ से एडजस्ट कर दे यार। स्कूल है ये संडे को कैसे बताओ यार, हम कितनी टीमों का टाइम एडजस्ट कर दे यार। अबे सब मर गए और क्या, दो मेरे ऊपर दो चढ़े ना। मैडी वगैरह कुछ नहीं है यार भाई। अबे खोपड़ा खोलना था इसका, 20 एच पी में बचा। वैसे ही वहां पे दो को खोल दिया था, तीसरा वाला भी डैमेज था। अगर क्लोनो होता तो मार देता, ऊपर से नहीं मार नहीं पता, जोन आ गया, लग नहीं पता। ये ग्राफिक्स फोन का है, लैपटॉप का? ये ग्राफिक्स फोन का है भाई, लैपटॉप का नहीं है, फोन के ग्राफिक्स। ग्राफिक्स अगर गेम फोन पर तो इतना बताओ, ग्राफिक्स लैपटॉप पे कोलैबोरेशन करो कि अरे किस बात का कोलैबोरेशन करें अभी इतना। वाह वॉल नहीं लग रही मेरी, वॉल भाई पिंग आई हुआ एक डाउन है। जाट है रिवाइव दे रहा, डैमेज अभी भाई क्या कर रहे हो यार। अबे उधर से भी शॉट्स पड़ रहे हैं मेरे को, फर्स्ट ब्लड
अबे ये क्या? अबे यार बाहर है, बाहर मारो। निंजा कहाँ है? पीछे देखो, पीछे। खत्म। अब मुझे एमपी दो, एमपी लेके दो। दस को जो जानेंगे, दस की जो हो जाएंगे चंगे। अरे ब्रो हमें उसकी चिंता नहीं है यार, कोलैबोरेशन के लिए कहीं आदमी होना चाहिए। तो मुझे एमपी दो, ये लो। कोलैबोरेशन अभी कहीं नहीं कर रहा हमारे पास फिक्स टाइमिंग नहीं ना स्ट्रीम की। अभी फिलहाल अभी कोलैब नहीं कर रहे हैं। मुझे खिलाओगे अगला कस्टम भाई? लास्ट कस्टम था यार प्रिंस भाई। अबे अब 3v4 खेलना पड़ रहा है। किसको नॉक कर दिया? खोल जरा। अबे किल चोरी यार, निंजा था। अबे निंजा कैसे किल चुरा गया? कहाँ है? एक मिनट आ रहे हैं। ऊपर से आते हैं, ऊपर से कूद कर दो। अबे वॉल लो। अबे भाई मर गया। इसका लैपटॉप, इसका मतलब लैपटॉप क्या है? कौन है? हाँ हाँ भाई, अबे टाइम कर लो प्लीज, चार्ज कर लो प्लीज। लास्ट ले रहती है अभी सेमीफाइनल का, पहले पहुंचोते हैं फिर बात ही बात करते हैं। टाइमिंग एडजस्ट देखा जाएगा। एमपी 40 में मेरे पास एमपी 40 है ही नहीं ना, मेरे पास अटैचमेंट पड़ी है, मेरे पास कुछ नहीं पड़ा। अबे वो मेरी एंट्री, इसलिए मैं एक्स्ट्रा अटैचमेंट लेके रखता हूँ। बंदे का लूट पड़ गया तो एक्स्ट्रा कभी भी जरूरत आ सकती है। चल अगले मैच में, अगले राउंड में एक AWM उठा लेना तो। अबे ऊपर क्यों चढ़ गया यार ये? अबे ऊपर चढ़ने का थोड़ी होता है, चढ़ गया ऊपर। अरे वाह यार डैमेज कर दिया इसने। अबे यार ऊपर चढ़ने का कहाँ था यार। चलो तो अगले सैटरडे करोगे फोर से आप स्टार्ट करोगे, हम बनाएंगे कस्टम। ठीक है बना लेना, अगले सैटरडे देखा जाएगा। अरे करोनो की क्या कोई नहीं, कोई मोबाइल आपका। अरे ठीक है ठीक है ठीक है निंजा, वो सब छोड़ो, वो सब छोड़ो। ये ऊपर कौन चढ़ा? बच्चे हैं ध्यान रखना, बोलना नहीं। अरे बच्चे मतलब क्या चल रहे कल को तू भी कर। ए निंजा ठीक है ठीक है यार, बाद में प्यार से बोल देना, आराम से ठंडा रह के। हमें मत कर भाई, लोकेशन लाइव करता है छोटा मानी है, छोटा मानी मत कर। ये ले निशान, एक गन ले ले, एक गन और ले ले निशान। अटैचमेंट है? अटैचमेंट की जरूरत ही नहीं, अभी काम से पड़ी है। मेरे ऊपर चढ़ रहे। अबे यार निंजा मत कर यार। अबे करोनो क्या अपने, अबे जल्दी आओ बे। आ रहे, अबे रिवाइव कहां से दें वो? अरे यार ठीक खेलने दे, अपने हिसाब से खेलने दे। तू एग्रेसिव क्यों हो जाता है अभी गेम में? अबे सुना सुनो मेरी बात, गेम को गेम की तरह ले। मोबाइल कौन सा? रेडमी नोट 8 भाई, बोला तो आना इधर आ जा। आने दो,
खेलने को उसको बंदे हैं तोड़ देंगे अबे यार मतलब अबे कैसे क्या मार दिया बच्चा कब पैदा कर रहे हो फिर अबे क्या ही बात शुभम भाई गर्लफ्रेंड ही नहीं भाई कोई चलो मैं इसके पिलर के ऊपर जा रहा हूं ऊपर चल ब्रो देख रहे हो ना आज के दिन भाई ऊपर जाऊंगा ये सोच के क्या आज के दिन लाइव कर रहे हैं तो इसका प्रूफ है भाई है कि कोई नहीं सिंपल सी बात निशान अपना टावर देखो किल देखो हमारे टावर देखो करेंगे 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 कल फुल निशान ये मेरा एक किल है भाई ये कैसे भाई कैसे भाई कितना डिसिंग है यार आगे पीछे हो रहा गेम हट बे नहीं खेलने का मन होता इसे आगे पीछे हो रहा है गेम दो नॉक है दो नॉक कर लिए कर लेंगे ये सैटरडे पुरुष फोर इस वुड पैकर वाले को खत्म कर ये तू जो पागल आगल हो गया क्या अबे भाई साहब बैग कैसे मार रहा है ये वो जो पागल हो गया बहुत डैमेज है किल जो ऑलरेडी गलत बात है घंटा किल तो क्या भाई साहब अभी भाई को पूछो जो डैमेज देखो डैमेज देखो एक गन दो मेरे को कोई हां डैमेज देखो मेरा ज्यादा है अभी भी एक अटैचमेंट का लग भाई कोई चले चले करेंगे ना बोल तो दिया शुभम भाई सैटरडे को आ जाना कब एडी एक को 150 का है कौन की First blood. मार दे मार दे मैं चुप चुप जाता देर। आर अजाट। फिर से एक। मेरी तरफ आया जाट। एक सौ एक है एक के वाले। जाट के चुप जाट। जाट डाउ। नॉक। अबे हम हैं अब जाट बचा है ये मतलब एक तो ये रिवाइव हुआ अभी 20 एचपी का बाहर बाहर कूदेगा विंडो को होल्ड कर लो है कहां पे इसके अंदर डबल किल इतने जाओगे ओके आप नॉट लाइव और पहली बात मैं लाइव शेयर तुम वीडियो कॉल कर रहा हूँ कभी उठाता ही नहीं वीडियो कॉल समझे इंस्टा पे वीडियो कॉल कर रहा मैंने कहा वीडियो कॉल हम कभी किसी के नहीं उठाते गेमर एफ
बस निशान हाफ ब्लड टैग अबे वो टैकर वाले कैंची की तरह देख तो कोई आया टैकर वाला जाट ही है और कौन है मैं जाट हूँ अच्छा वन टैप मारता है मानुस मुझे वन टैप मार गए देर तो कर दिया उसको अबे कहाँ से यार दो तो वुड पैकर चला रहे थे यार हाँ तेरे से क्या कर लेंगे आने दो अभी भाई क्वालिफायर स्टेज खत्म हो गया क्या नहीं नहीं अभी ग्रुप थ्री और ग्रुप फोर के मैचेस कल है एक दो दो ही मैचेस करवाएंगे यार भाई तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है और मैनेजमेंट भी लगता है यार तो ज़्यादा हड़बड़ी ना करें आराम आराम से मैचेस करवाएं ठीक रहेगा मैनेजमेंट आसान रहेगा बोलते बोलते गला दर्द होने लगता है फिर अबे दो दो चढ़ गए लग गए मेरे पास एडी है उधर अबे यार क्या ग्लिच है इसको मैंने खत्म कर दिया था वो इधर एक बहुत लो है अबे भाई अबे यार ये मतलब फ्री फायर का सिस्टम है मतलब 10 गोलियां मारी लिटरली 10 से पूरा दो रिलोड टूट गए दोनों इसी के अंदर है मारो ना इसके अंदर और बंदा एलिमिनेट हो गया मरने के खत्म चल डोमिनेटर्स को खेलना है वो लोग आपको पता नहीं चला आज मैच है नहीं चला आज मैच है यार डोमिनेटर्स को क्या ही बताएं यार डोमिनेटर्स को आना चाहिए था टाइम पे ना अब उनसे कहो सेकंड फेज के लिए रेडी रहे सेकंड फेज में डाल दिया जाएगा उनको उनसे कहो फेज वन में नहीं मिला अरे नॉट पागल पैसा दो 250 हो वाला एथिस भाई उनसे कहना सेकंड फेज में एंट्री मिल जाएगी परेशान ना दोबारा रजिस्टर कर ले बता दें टीम में डाल देंगे बट थोड़ा रिस्पॉन्सिबल रहे यार टाइम स्कोर लेके सो बस यही है हम आकर गला दबा देते हैं गला ठीक हो जाएगा अभी आ रहे हूँ जो तेरे को बताने चलो अब कल मिलते हैं ठीक है आप लोगों से बहुत देर खेल लिया कल मिलते हैं शाम को 5:30 बजे ठीक है कल मिलते हैं 5:30 बजे ठीक है ये आप देख रुक रुक एक बंदा कब तक कुछ कर हाँ उधर बोलो हेलो एडी भाई हाँ भाई बोलो अरे तुम कस्टम करोगे हमारी स्क्वाड से टॉक्सिक टीम से बनाओ अभी तुरंत बनाओ तो नहीं नहीं अब हम जा रहे हैं तुम लोग खेलो तुरंत तो नहीं हो पाएगा थोड़ा गेम में है बंदे वो आ जाएंगे तो फिर बनाएंगे ठीक है 5 मिनट बाद बनाना आपको कॉल कर दूंगा नहीं नहीं फोन मत करना अभी मैं चलना चला जाऊंगा अभी खेल लूंगा तो खेल लेना 5 मिनट बाद वो नाम लोग को भी जाना अभी और कर लेंगे जान दो फोन किया था उजो हला चल रहे उजो मैं जा रहा है ठीक है बाय बाय। We'll be right back.